हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्रद्धे को इनको कम कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण इनको इनको सर हरि बोल हरे हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है, हरि बोल। आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी ते पै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी की जीवन चरित्र है। श्री रूप गोस्वामी के तो साधारण घर के व्यक्ति नहीं थे। उच्च ब्राह्मण वंश में भारद्वाज ब्राह्मण वंश में कर्नाटक के देश में रहने वाले और उनकी इतने मेधावी इतने बुद्धि था जिनकी बुद्धि को देख करके वहाँ के जो नवाब जो राजा मुसलमान राजा इनको मंत्री पद में एक को प्राइम मिनिस्टर पद में वो दो भाई थे रूप और सनातन हैं कहते श्री सनातन बड़े भाई को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद में नियुक्त कर दिया और छोटे भाई को कोषाध्यक्ष मतलब जितने रुपया पैसा उसका हिसाब किताब ट्रेजरी जिनको पास में रख दिया। आप लोगों बताओ तो वो नवाब ने क्यों ये दोनों भाइयों को ये मंत्री पद में रखा था? उनने क्या देखा इनके अंदर? कौन बोलेगा? कल जो लोग थे कुछ सुने कि नहीं? कौन बोलेगा? हाथ उठा।
इन्होंने इनके अंदर में क्या चीज देखा है जिस चीज को देख करके प्रसन्न हो गए और इनको इन्होंने इतने बड़े पद में, छोटे मोटे पद नहीं, प्राइम मिनिस्टर पद है, तो दोनों भैया को इतने बड़े बताओ तो क्या कल सुने थे पता चलेगा कैसे कैसे मिस्त्री का क्या बात था बताओ जोर से बोलो हाथ खड़े करो कौन बता पाएगा उसे इनाम मिलेगा ऐसे नहीं यहाँ आए कथा सुने यही रखे और चले गए नहीं यहाँ से जो कथा सुनते हो माता जी इधर आओ हरे कृष्णा इधर बुला इधर इधर बैठो इसलिए कथा ऐसे सुना जैसे कथा सुन करके कुछ याद रखो ठीक है ना याद रख करके अपना घर में जाओ अपना परिवार में सुनाओ अड़ोसी पड़ोसी को भी सुनाओ हैं अड़ोसी पड़ोसी को भी सुनाओ उनका भी लाभ होगा उनका भी कल्याण होगा। हम तो संसार की बहुत सारी बात को याद करते जिसका कोई महत्व नहीं, लड़ाई लग जाए ना 50 साल बाद याद करके तुमने मेरे कहीं से बोला था 50 साल पहले, दुनिया की बात को हम याद कर लेते हैं लेकिन वो बात का कोई महत्व नहीं है। इसलिए महत्व है जब भगवान की बात को हम याद रखेंगे, ठाकुर जी को बात को याद रखेंगे ठीक है ना। ऐसे कथा सुनो जैसे हर चीज को एकदम याद कर सके। इसलिए मथुरा में जो बड़े गुरु जी थे पहला दिन जो क्लास देते थे और दूसरे दिन वो प्रश्न करते थे, फिर जो सुनने वाले होते हैं ना वो सब ध्यान से सुनते थे, नहीं कल गुरु जी हमें प्रश्न करेंगे, इसलिए एक कॉपी पेन लेकर रखते थे। कॉपी पेन लाए हो खाली हाथ से आगे देख ले, इसलिए देखो जो थोड़ी सी लिखे पढ़े है ना, जो थोड़ी सी लिखे पढ़े हो एक कॉपी और एक पेन लेकर के आओ। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ दिन तक केवल एक विषय पर कथा सुनेंगे श्री रूप गोस्वामी के ऊपर में, उन्होंने क्या क्या ग्रंथ प्रकाशित किया, इनकी जीवन चरित्र क्या है, हैं? इसलिए अगर थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद मिल करेंगे ना फिर समुद्र बन जाता है। थोड़ी थोड़ी सी अगर कथा सुनोगे याद रखोगे बस इतने सारा हो जाएगा ठीक है। इसलिए ध्यान से सुना और कोशिश करो जो कथा सुनोगे उसको याद रखने के लिए और घर में जा कर के भी घर वालों को सुनाया करना ठीक है। ललिता वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इनकी बुद्धिमत्ता को देख करके इन्होंने इनको दोनों को इतने बड़े राज मंत्री पद में नियुक्त कर दिया। और इनका बचपन का क्या नाम था किसको याद है? हाँ अमर और संतोष। फिर मुसलमान ने राजा ने इन दोनों का नाम क्या रखा? इसलिए अगर काफी पेन लेकर आते ना तो देख करके याद करके बोलते थे, इसलिए एक काफी पेन लग पास में, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया किसको याद है? हाँ कहते इनका दबरी खास और साकर मल्लिक, ये मुसलमान का नाम रख दिया है, इनका नाम दबरी खास और साकर मल्लिक मुसलमान नाम रख दिया। फिर जब फिर चैतन्य महाप्रभु से जब फिर मिले फिर महाप्रभु ने इनका नाम को बदला दिया, बदला करके क्या नाम रख दिया? रूप और सनातन। इनका नाम रूप और सनातन, ये दोनों भैया का नाम उन्होंने रख दिया अभी। लेकिन जब इनको महाप्रभु की भक्ति की चस्का लगी, कृष्ण भक्ति की इनकी जब चस्का लगी और ये क्या करते थे, ये दोनों भैया बड़े श्रेष्ठ पद में थे और इनका काम क्या था, अच्छा आवाज इसमें, इसलिए मुसलमान क्या करते थे पहले सारे हिंदू मंदिरों को विध्वंस करते थे, तोड़ते थे। अभी भी वृंदावन जाओगे ना, अभी भी वृंदावन में आप देखोगे वहां पर भी मंदिर अब जो टूटा पड़ा हुआ है, अभी भी मंदिर टूटा पड़ा हुआ। इसलिए जब ये उड़ीसा जाते थे उड़ीसा में बहुत भगवान की मंदिर जहां जाओगे मंदिर, और इनका काम यही था सारे भगवान की मंदिर को तोड़ो है, ये सारे हिंदू धर्म को खत्म करो और मुसलमान धर्म को स्थापना करो, दुनिया को मुसलमान बनाओ अभी। लेकिन इन्होंने तो कुछ दिन तक गए लेकिन वो सब चीज को देख करके ना, है तो हिंदू ना,
हे तो हिंदू, इनके अंदर में हिंदू का तो खून है, हैं? हे तो फिर ब्राह्मण वंश में जन्म हुए, किसी कारण से उनकी मंत्री बन गए, लेकिन अंदर में तो हिंदुओं का खून है। इसलिए फिर उन्होंने कोशिश किया, बोले नहीं, ये राजा को साथ में हम नहीं जाएंगे, केवल ये हिंदू मंदिर को तोड़ता है, हिंदू ठाकुर को ये तोड़ता है और हम नहीं जाएंगे, हैं? इसलिए उन्होंने मनस्थ कर दिया। अभी वो सोच रहे हैं, अभी हम महाप्रभु को साथ में जब मिले, चैतन्य महाप्रभु को साथ में, महाप्रभु जब उनकी शिक्षा दिया, दर्शन दिया, अभी ये दोनों चाहते हैं ये मंत्री पद को छोड़े और जाए वृंदावन में, जाए और भगवान की भक्ति करे। अभी दोनों सोच रहे हैं वृंदावन जाने के लिए, अभी सोच रहे हैं अगर एक साथ में दोनों अगर चले जाए ना, क्योंकि राजा की ये इतने प्रिय थे, वो सोचते थे जैसे ये दोनों भाई हमारे दो हाथ हैं, और ये हम, मैं अकेला नहीं, हम जो तीनों हैं, हम तीनों भाई हैं, मतलब राजा इनको इतने आदर देता था, मानो ये हमारे दो भाई और मैं एक हूँ, हम तीन भाई हैं। मतलब ये ऐसे काम करते थे, जब से उन्होंने नौकरी की, तीन दो गुना रात चौगुना इनके धन बढ़ने लग गया संसार में, धीरे धीरे इनके राज्य, धीरे 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 राज्य बढ़ते जा रहा था, धन संपत्ति इतने आ रहा था जो सोच भी नहीं सकते, इतने धन संपत्ति बढ़ रहा था। अभी इन्होंने सोचा अगर दोनों एक साथ में अगर नौकरी छोड़ देना, फिर तो ये राजा बहुत ही बिगड़ जाएगा, बोले एक एक करके करते हैं। इसलिए उन्होंने छोटे भाई को बोले, पहले तू चला जा, क्योंकि बड़ी भाई, जो बड़े भाई वो प्राइम मिनिस्टर है, बोले अगर मैं चला जाऊंगा ना इसको ऊपर में, इसको ऊपर में आवाज नहीं जा रही, ये अच्छा, इसमें आवाज जो मीठी आवाज आ रही, पीछे आवाज आ रही है, ठीक, जब ज्यादा लोग पीछे बैठ जाएंगे ना फिर उधर लगा देंगे, ठीक है, इसको इसके लगा देते माइक पे, उसको 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 लगा दे सर, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, तो साउंड कम करो, नीचे रखो, नीचे साउंड कम कर दो, नहीं, हरे हरे कृष्णा, उसको थोड़ी सी ये कर दो ना, ये हरे कृष्णा, ठीक है, हरि बोल, पीछे आवाज आ रही है, हरे कृष्णा। इसलिए बोले छोटे भैया पहले जाए, हैं, उसको बाद में बड़े भैया जाएगा। इसलिए छोटे भैया ने क्या किया, उनने बहाना बना करके वहां से चले गए, और उनको पास में इतने सोने चांदी, इतने सोने चांदी थी जो सोच भी नहीं सकते थे इतने। फिर उन्होंने आधा संपत्ति को उन्होंने अपना परिवार को दे दिया, कुछ संपत्ति ब्राह्मण और संतों को दे दिया, और कुछ उनका परिवार लोगों को दे दिया, और उन्होंने 10,000 स्वर्ण मोहर, सोच रहे हो, 10,000 स्वर्ण मोहर किसी एक विश्वस्त व्यक्ति को पास में रखकर गए। अभी सनातन अभी है, अभी सनातन अभी राजकार्य कर रहे हैं, अगर जीवन में कभी इनकी विपत्ति पड़ेगी ये पैसा को ये व्यवहार कर सकते हैं। अभी जब छोटे भैया चला गया, मन एक हाथ ही उसका कट गया, अभी और एक हाथ उसका है सनातन। अभी वो सनातन भी धीरे 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 वो कोशिश कर रहा है, जैसे ये राजकार्य मेरे से छूटे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजकार्य में नहीं गए, और उन्होंने बहाना बना दिया, मेरे को तबीयत खराब है। लेकिन तबीयत खराब नहीं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने साधु संतों को, ब्राह्मण को लेकर के हरि चर्चा, भागवत चर्चा कर रहे थे बैठ करके। इतने में राजा ने खबर भेजा, भैया क्या बात, ये सनातन राजकार्य क्यों नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया शरीर अस्वस्थ है, राजा ने वैद्य भेज दिया, देख करके आओ। और राजा वैद्य भेज दिया, वैद्य आकर के देखा, कोई शरीर अस्वस्थ नहीं, वो ठीक ठाक है, वो तो ब्राह्मणों को लेकर के, संतों को लेकर के हरी चर्चा कर रहे हैं, हरी चर्चा कर रहे हैं। फिर उन्होंने जाकर के बोले वो तो चंगा है, कोई बीमारी है नहीं। फिर उन्होंने भेजे, खुद राजा खुद आ गए, खुद आकर के देखा, वहां पर तो भागवत चर्चा हो रही है, और वहां पर हरि कीर्तन हो रहा था, है, वहां पर हरि कीर्तन, हरि चर्चा हो रही थी, है, सबके सब प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे।
चर्चा हरि कीर्तन हरि भक्ति में सबके सब डूबे हुए हैं सबके सब। इसको देख करके उन्होंने ये चीज को उन्होंने देख करके बोले ये क्या हो रहा है, तुम तो एकदम चंगे हो। इतने में सनातन गोस्वामी ने देखा इनको सही बोल दो, सही बात को बोल दो। बोले देखो अब हमारा कोई इच्छा नहीं काम करने का तुम्हारी, हम तो चाहते तुम्हारे काम को छोड़ने के लिए चाहते। इतना सुनते ही वो इतने दुखी हो गया। बोले एक भाई तो छोड़ कर चला गया, तू तो हमारे एक हो हैं, और एक हाथ कट गया और एक हाथ जिंदा है। अगर दोनों हाथ कट गया तो गया हमारे हैं, दोनों हाथ कट गया तो हमारे सब कुछ बेकार हो गया। इसलिए तुम ऐसे दस्यु व्यवहार कर रहे हो,
इसलिए बोले मेरे साथ में चलो उड़ीसा चलो। तो उनको पता उड़ीसा जाना मतलब ठाकुर जी की मंदिर को तोड़ना, ठाकुर जी की मंदिर को तोड़ना। बोले मेरे को माफ कर दो, मैं जा नहीं सकता। बोले अगर नहीं जाओगे, उन्होंने किया क्या, बोले जो बंदीशाला में डाल दो। अभी सनातन गोस्वामी को उन्होंने बंदीशाला में डाल दिया। जब बंदीशाला में डाल करके राजा चले गया, अभी जो जेल कीपर था, जो जेल कीपर था, बोले देख एक दिन ये जो नौकरी है, कहते एक दिन ये जो नौकरी, मैंने उसको दूर में रखा थोड़ा सा, कहते इसका जो नौकरी एक दिन मैंने तुमको ये नौकर दिया था, मैंने एक दिन तेरा उपकार मैंने किया था, अभी तुम्हारा कर्तव्य मेरे उपकार करना, इसलिए मेरे उपकार करके मेरे को ये जेल से तुम मेरे को छुटकरा दिला दो। बोले एकदम नहीं दे सकता हैं, राजा मेरे को मार डालेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको सामने 5,000 स्वर्ण मुद्रा, कितना स्वर्ण मुद्रा, अब सोच रहे हो 5,000 कितना पैसा कितना होगा है, 5,000 घर भर जाएगा। 5,000 स्वर्ण मुद्रा उनको सामने डाल दिया। इसको देख करके ना उसको तो बुद्धि खराब हो गया, 5,000 स्वर्ण मुद्रा। कहते मैं मेरे बेटा का बेटा का बेटा का बेटे का बेटे का आएगा तभी ये खत्म होने, 5,000 स्वर्ण मुद्रा इतना ढेर। अभी उसको देख करके उसने बोला अगर राजा मेरे को पूछेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इसलिए देखा थोड़ी सी तभी पीछे हट रहा है, बोले और 2,000 लाख डाल दिया। हाँ उसको देख करके उसका जी में तो पानी आने गया, 7,000 स्वर्ण मुद्रा कभी जिंदगी में कमा ही नहीं सकता हूँ। बोले अगर राजा पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, बोले चिंता क्यों करता हूँ, मैं तेरे को उसका उपाय भी बताता हूँ। तुम ये बोल देना हम इनको पहले शौचक्रिया जंगल में जाना पड़ता था और शौचक्रिया करने के लिए जाकर पानी में स्नान करना पड़ता था, बोले वहां पर गंगा बह रही थी। बोले तुम ये बताना ये तो गया शौचक्रिया में और गंगा में जब स्नान के लिए गया ना, पता नहीं डूब करे कहाँ चला गया, मेरे पता नहीं रहा, गंगा में ही डूब गया। बोले मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो बड़ी दूर तक चला जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा नहीं। बस उन्होंने ऐसे करके बड़े भाई हैं, बड़े भाई चले गए। लेकिन वो बड़े भाई जाने से पहले कहते श्री रूप गोस्वामी ने, उनका जो रूप गोस्वामी, उन्होंने इनको एक श्लोक लिख करके उनको भेजा था हैं, जिस श्लोक को पढ़ करके इनके अंदर में बड़ा ज्ञान आया। रूप गोस्वामी पहले चले गए, बड़े भाई को एक श्लोक लिख कर गए थे, बल्कि वो श्लोक क्या भेजे थे, वो श्लोक है बोले जदुपते कोगता मथुरा भूरी रघुपते कोगत उत्तर कोसला इति विचिंत कुरु समनम स्थिरम नम सदिदम जगदित बधारय। कदी ये इनका ये श्लोक था, ये इनकी श्लोक था। इसका मतलब है कहते हे सनातन ध्यान देकर सुनो, बोले क्या ध्यान देकर सुनो, बोले जदुपते को गोता मथुरापुरी, जब भगवान कृष्ण जगत में संसार में आए उस समय मथुरा की वैभव, मथुरा की जो संपत्ति है, जिस समय कृष्ण बलराम प्रवेश करते मथुरा में, क्या उनका बड़ी बड़ी अट्टालिका, क्या रोड बना हुआ, क्या सुंदर वहां पर धन दौलत संपत्ति, भगवान जब आए थे कहाँ पर मथुरा में, वो संपत्ति सब कहाँ है, वो राज्य सब कहाँ है। भगवान राम जब अयोध्या में आए, अब उसका वर्णना सुना, अयोध्या की वर्णना क्या, जब जनक महाराज आए ना, जब जनक महाराज देश में भगवान राम बरात रूप में आए, जब उन्होंने जनकपुरी में प्रवेश कर रहे थे, बोले गांव के जो बाहर का जो लोग रहते थे उन्होंने देखा, क्या देखा, सोने की लोटे में शौचक्रिया करने के लिए पानी ले रहा था, सोने की कटोरी में, और जो ब्रूस है ना सोने की थी, और उनको रखने के लिए जो व्यवस्था क्या अटालिका, खाने के लिए हाथी घोड़ा को काजू पिस्ता बादाम, और जो बराती आए थे रोज रोज सोने की प्लेट में खाओ, सोने की कटोरी ग्लास में खाओ, जैसे यहाँ प्लेट खा कर डस्टबिन में डाल देते हैं ना, सोने की कटोरी ग्लास और थाला में खाओ एक बार, और इसको डस्टबिन में डाल दो। जिसको देख देख कर अयोध्यापुरी बोले हे भगवान, लग रहा है किसी उठा कर यहाँ से ले चलो हैं, बोले नहीं हम बराती होकर के आए हैं। इसलिए ऐसे वहां पर ऐश्वर्य था, इसलिए वो ऐश्वर्य कहाँ है अभी, इसका उसको शिक्षा दे रहे हैं, ये जो ठाड़ बाड़ राज्य पाठ है
एक दिन सब कुछ नश्वर रहने वाले, कुछ साथ में जाने वाले नहीं, सब यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए उसको स्थिर चित्त में ये चीज को मन, ये चीज को विचिंत मतलब विचार करते हुए स्थिर चित्त में जल्दी से जल्दी वो राजपाट को छोड़ो और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में तुम चले आओ। कहते ये श्लोक को सुन करके श्री सनातन गोस्वामी मन में सोचे बात सही करे हाँ? ये शरीर छोड़ने पर राज्य पाट धन दौलत क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब यहीं पर छोड़ करके जाएंगे और उसे लास्ट में कहेंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है सब कोई बात झूठा है हैं? केवल भगवान का नाम सच्चा, इसको जगत में सब झूठा। इसलिए इसको सुन करके कहते श्री सनातन गोस्वामी उन्होंने राज्य पाट को उन्होंने छोड़े हैं? सब छोड़े और दोनों भैया श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण में गए और श्री वृंदावन धाम में उन्होंने गए। यहाँ पर बता रहे हैं उन्होंने जो भजन करते थे कितने बड़े घर के, अब समझ रहे हो, जिन्होंने नौकरी, हम तो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं और जिन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए कितना रिश्वत दिया, 7,000 स्वर्ण मुद्रा। अभी अभी इसको हिसाब लगाओ तो कितना होगा हैं? 1 किलो सोना, अभी 1 किलो सोना कितने पैसा की, 1 किलो सोना का कितना कितना कीमत है, 35,000, 35 लाख नहीं 1 तोला, 30,000, 35,000, उसको हिसाब लगाओ हैं, 35,000 को हिसाब लगाओ तब कितने पैसा होगा स्वर्ण मुद्रा उस समय, हाँ कितना पैसा उसका, इतने पैसा रिश्वत दे करके नौकरी छोड़े और वृंदावन में जा करके उन्होंने भजन कैसे किया। हाँ देखो ध्यान से सुनो, उन्होंने वृंदावन में आकर के भगवान की भक्ति कैसे किया, अभी यहाँ पर श्री वर्णना कर रहे हैं हैं? कहते इनकी वैराग्य, इनकी भक्ति अद्भुत, इनकी भक्ति थी। बोले अनिकेत दुहे बने जत वृक्ष गण, एक एक वृक्षर तले एक एक रात्रि शयन। यहाँ पर कह रहे हैं कहते अनिकेत दुहे बने जत वृक्ष गण, किसी एक वृक्ष को नीचे, कहते एक वृक्ष को नीचे एक दिन रुकते थे और कोई घर मकान नहीं, कोई घर मकान रुकने के लिए नहीं, एक एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे। बोले क्यों, बोले आसक्ति नहीं हो जाए, उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं हो जाए। और दूसरा कारण बताए, अगर एक वृक्ष वृंदावन में जितने वृक्ष है, जितने स्थान है, देखोगे ठाकुर जी के सारे लीला स्थल है, ठाकुर जी ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ कृष्ण गैया नहीं चराए, जहाँ कृष्ण रास नहीं रचाए, जहाँ कृष्ण मक्खन चोरी नहीं की, सब जगह में कंदरा कंदरा थे, कुंज कुंज में ठाकुर जी लीला की। इसलिए हर वृक्षों को नीचे रह करके उसी लीला को वो चिंतन करते थे और उसमें डूब जाते थे दोनों भाई। कहते कहते वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन, एक एक रात्रि एक एक वृक्ष नीचे होते थे। बोले विप्र गृह माधु करी करी स्थूल भिक्षा, शुष्क रोटी चाणा चिबाए भोग परिहरी। कहते खाते थे क्या, बोले खाते थे हर घर में माधुगिरी, माधुगिरी जाने तो जैसे घर घर में जाकर रोटी खाते ना, रोटी मांग कर खाते हैं, ऐसे ही वो घर घर में जाकर, बोले किसको घर में, सबके घर में नहीं, जो ब्राह्मण घर होता था, भक्त घर होते थे, उसी घर में जाते थे। क्यों, दूसरे घर में कोई प्याज लहसुन खाता होगा, कोई मांस मछली खाता होगा, इसलिए क्या करते थे, वो जाकर विप्र ग्रह में घर में जो ब्राह्मण है, जो अपना वर्ण और धर्म को जाजन करते हैं, उनके घर में जा करके हैं रोटी, किस घर में रोटी सब्जी थोड़ी ले लिया, और कभी कभी अगर ओन भी नहीं मिला, कभी कभी चाना, चाना समझते हो कि नहीं हैं, जो चाना है बस उसको खा लिया और पानी पी लिया, और पानी पी करके दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप लोग जोर से बोल, मैं सुनूंगा, अरे और एक बार बोलो,
पहले साथ में रहता था क्या? पहले साथ में एक कमंडलू है, केवल एक कमंडलू, और एक किसी तरह जिसको कंबल कहते हैं ना है, इसलिए कंबल मतलब पहले लोग जो ओढ़ते थे घर का जितने पुराने जितने कपड़े हो जाता था इसको एक कट कर देते थे और उसको सिलाई कर लेते थे, सिलाई करके उसको ही ओढ़ लेते थे। इसलिए ऐसे एक बहरीवास और एक हाथ में, एक हाथ में, इसलिए उसको हाथ में कहते उसको हाथ में ले करके वही, और साथ में कुछ नहीं, उसमें पानी रख लेते थे, पी लेते थे और वृक्षों के नीचे सो करके उसको ओढ़ लेते थे, बस ऐसे ही साधन भजन करते थे। और सोते थे कितना समय? बोले करी 7 घंटा, करी 24 घंटा में 23 घंटा, 23.5 घंटा तो भजन करते थे, सारा दिन माला लेकर के भगवान की भजन करते थे। इतने कितना घंटा? 23.5 घंटा, 23.5 घंटा भजन करते थे, हरिनाम करते थे। और अगर कभी आधा एक घंटा कभी सो भी जाते थे, लेकिन जब सोते थे ना स्वप्न क्या देखते थे? बोले स्वप्न में राधा कृष्ण का स्वप्न देखते थे, हैं भगवान की स्वप्न देखते थे। ऐसे इनकी साधन भजन था। अब कभी शास्त्र पढ़ते थे, कभी शास्त्र लिखते थे और महाप्रभु की कथा को सुनते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु कथा को चिंतन करते थे, हैं। और ऐसे ही 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की स्मरण कीर्तन करते हुए अपना जीवन को बिताए करते थे, हैं। अगर हमें बोलो ना एक घंटा बैठ कर घर नाम करो, हैं, एक घंटा आधा घंटा बैठा नहीं जाता, अगर 10 मिनट बैठ गए ना बोले अभी तो ये माला खत्म नहीं हो रही है, कब खत्म होगा, रोटी ठंडा हो रहा है, रोटी ठंडा हो रहा है, हैं। इसलिए अभी हमारे भगवान के नाम में अभी हमारी रुचि नहीं होता है, रुचि नहीं होता है, फिर क्या करनी चाहिए? भजन छोड़ देनी चाहिए? बोले नहीं, छोड़नी नहीं चाहिए। कि जैसे मिश्री मीठा है, लेकिन कभी कभी मिश्री किस किस को कड़वा भी लगता है, मिश्री कड़वा किसको लगता है? जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए ना, पीलिया की बीमारी हो जाए, उसको मिश्री कड़वा लगता है। कहते उसी तरह अभी हमें जंडिस का बीमारी हो गया, पीलिया बीमारी हो गई, वो क्या है? बोले पूर्व पूर्व जन्म का जो पाप है। अब दूसरी की बात करो, दुनिया की बात करो ना, बोले हमने ऐसे एक भूत देखा था, बोले अरे हम भी इतना बड़ा भूत देखा था, बोले हमने एक सांप देखा था, अरे मैं भी इतना बड़ा लंबा सांप वहां पर देखा था। अब देखना एकदम एकदम जोश आ जाता है उसमें, लेकिन बोला हरि नाम करो, भगवान की भजन करो, बोले नींद आ रही, तकिया लाओ, तकिया लाओ, नींद ला रहे। इसलिए कारण है हमारे पूर्व जन्म की ये अपराध, ये पाप है। लेकिन ये दूर कैसे होगा? ये दूर कैसे होगा? जैसे मिश्री चूसते चूसते जैसे वो बीमारी खत्म हो जाती है, उसी तरह भगवान के नाम को लेते 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 धीरे 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 हमारे सारे पाप खत्म हो जाएगा, पाप हमारी खत्म हो जाएगी, फिर अपने आप भगवान का नाम में हमें रुचि आने लग जाएगा। इसलिए अच्छी नहीं लगने पर भी भगवान का नाम माला लेकर के बैठो और भगवान की नाम, धीरे धीरे भगवान की नाम को जप करो। इसलिए कहते ये जो संत हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, इनके प्रति 4 आदेश था। कितना आदेश था? हाँ बताओ, 4 आदेश क्या किया था महाप्रभु, इनको क्या क्या 4 आदेश दिया था, तो बोलो। नहीं नहीं ये नहीं, हाँ अनुभव, क्या 4 महाप्रभु ने इनको, इधर आ जाओ, तब तो तुम पता है, लीला स्थलियों को प्रकाश और शुद्ध भक्ति ग्रंथ को प्रणायन ने। आप लोग एक व्यक्ति बताओ, उन्होंने जो विग्रह प्रकाश करने के लिए बताया था, इन्होंने कौन सा विग्रह को प्रकाशित किया है? गोविंद देव। आप बता सकते हो गोविंद देव को उन्होंने कैसे, उन्होंने प्रकाशित गोविंद देव को किया है, गोविंद देव को उन्होंने किस रूप में, गोविंद देव को उन्होंने प्रकाशित किया है? हाँ तब कहो, हाँ इधर आ जाओ। कल आप अच्छे तरह से पढ़ कर कोई आना इनकी जो विषय को बोलने के लिए, ठीक है? हाँ सुना इनकी जो, कल आप लोगों को याद करके आना, महाप्रभु इनको 4 दायित्व इनको पर दिया था। ये जो गोस्वामी ना, 6 गोस्वामी थे, बताओ तो 6 गोस्वामी का नाम कौन है, कौन बोलेगा हाथ उठा?
कौन बोलेगा छह गोस्वामी का नाम क्या था, कौन बोलेगा? हाँ बोलो, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी, छह गोस्वामी हो गया कि छह गोस्वामी? रघुनाथ भट्ट, इसलिए ये छह गोस्वामी है। इसको अब धीरे धीरे ना आप लोग कोशिश करना, हम लोग तो बहुत पुराना हो गए हो, है ना, इसलिए बहुत पुराना हो गए, कोशिश करना धीरे धीरे एक एक चीज को सीखने के लिए, एक एक चीज को सीखने के लिए कोशिश करना, ठीक है। छह गोस्वामी, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छह गोस्वामी, ठीक है ना। कल कोशिश करना ये छह गोस्वामी को नाम को याद करने के लिए, और महाप्रभु इनको पर जो चार जो सेवा की दायित्व दिया था, वो चार ही सेवा की दायित्व क्या है इसको थोड़ी सी याद करना, ठीक है। इतना ही कोशिश करना इसको याद करने के लिए, और जो बड़े बूढ़ी आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तो कम उम्र गए हैं तो वो लोग कोशिश करना थोड़ी सी याद करने के लिए, जो बड़े बूढ़ी हो गए हरि नाम करना, हरि नाम को कर लेते, लेकिन थोड़ा कम उम्र का जो है कोशिश करना थोड़ी सी उसको याद करने के लिए। हाँ बोलो, ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्धदे सुषमाद भक्ति वेदांत श्रेयसि पंचाकल्पतरुणश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिव सदि शिव हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमचार्य अष्टदशत श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्री श्रीधर कृष्ण महाराज जी चरण कमल ज्ञान कोटि दंडवत ज्ञापन करके उनकी अंतिम कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात आचार्य समस्त वैष्णव के चरण कमल तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री रूप गोस्वामी पाद जी को विशेष करके सड़क गोस्वामी प्रभु को सबके प्रति उनका यही चार प्रमुख आदेश था कि पहला है बुद्ध तीर्थ उद्धार, फिर है भक्ति ग्रंथ प्राणायाम, फिर विग्रह प्रकाश श्री विग्रह प्रकाश लुप्त तीर्थ उद्धार राग भक्ति प्रचार श्री विग्रह प्रकाश, इन चारों में से जो गोविंद देव जी प्रकट हुए ये है एक महाप्रभु के मनोविष्ट सेवा से, एक है किसी विग्रह प्रकाश। ये जो श्री गोविंद देव है पूर्व समय में कृष्ण के अप्रकट काल के बाद वज्रनाभ के द्वारा ये विग्रह स्थापित है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो पुराने पुराने विग्रह, परंतु काल क्रम से ब्रज में जब जवन लोग मुस्लिम लोग का शासन हुआ तब समस्त विग्रह प्राय लुप्त हो गए थे, जहाँ जहीं पर कहाँ पर कोई विग्रह से लुप्त में थे, लुप्त कैसे हो गए थे कहते ये मुसलमान जब आक्रमण किया, मुसलमान लोग क्या करते थे, हमारे जितने हिंदू मंदिर को तोड़ते थे और ये हिंदू ठाकुरों को तोड़ देते थे, इसलिए इसकी भय से इनकी भय से भक्त लोगों ने क्या किया, कहीं ठाकुरों को मिट्टी को नीचे गाड़ दिया, कहीं किसी तालाब को अंदर में छोड़कर चले गए, किसी तालाब को अंदर में छोड़ गए, और किसी ठाकुर को जंगल में घोर जंगल में ठाकुर को कहीं उन्होंने छुपा दिया, जैसे श्रीनाथ जी गोपाल जी इनको क्या किया, घोर जंगल में जहां पर लोग कहीं पहुंच नहीं सकते हैं वहीं पर ठाकुर जी को लेकर घोर जंगल के अंदर में वहीं पर ठाकुर को लेकर चले गए। ये गोविंद देव को मिट्टी को अंदर में गाड़ दिया, गोपीनाथ को मिट्टी को अंदर में गाड़ दिया, ऐसे करते हुए ठाकुर को किसी तरह जैसे ये हानि नहीं पहुंचा सकते, इन लोगों ने ऐसे करके वहां से सब भाग गए, इधर उधर सब छुप कर भाग गए। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए आ करके, क्योंकि ये जितने विग्रह है ये सबके सब पुराना विग्रह है, ये साधारण नहीं, ये विग्रहों को श्री वज्रनाभ ने स्थापन किया, किसने स्थापन किया, ये वज्रनाभ कौन है, कल कृष्ण के पौत्र बेटे के बेटे के बेटा, ये श्री वज्रनाभ है, इन्होंने ही ये ब्रज को पुनः उन्होंने उदार किया, पुनः ब्रज को प्रकाशित किया, लुप्त तीर्थों को उद्धार किया, ठाकुरों को प्रकाशित इन्होंने किया है,
और इसमें विशेष करके जो हमारी गौड़ियों का तीन ठाकुर गोविंद गोपीनाथ और श्री मदन मोहन, विशेष करके हमारे गौड़ियों के विशेष ये तीन ठाकुर है। बोलो। तो इस प्रकार श्री गुरु गोस्वामी पाद जी श्रीमद महाप्रभु जी के आदेश को प्राप्त कर ब्रज में गए। ब्रज में स्थान स्थान पर रहकर भजन करते थे, एक पेड़ के नीचे एक दिन, एक पेड़ के नीचे एक दिन। इस प्रकार अत्यंत विरह हृदय से महाप्रभु जी के लीला को चिंतन करते करते हा राधे हा कृष्ण आप कहाँ पर हो, ये गिरिराज जी के तलाट में पर आप क्यों मुझे दर्शन नहीं देते हो, इस प्रकार अत्यंत व्याकुल हृदय में भजन करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक स्थान पर, एक ऊंची स्थान पर एक गौमाता आती है और स्वतः दूध देकर जाती है। ये बड़े विस्मित हुए। फिर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी वही देखा, मतलब लगातार तीन चार बार उन्होंने यही देखा। तो ये देखकर बड़े विस्मित हुए। फिर रात में उनको स्वप्न हुआ कि गोविंद जी साक्षात आकर इनको स्वप्न में कहे कि मैं यहीं पर हूँ, आप जो है क्या करो ना मुझे यहाँ से निकालो। तो यहाँ पर एक विशेष बात है, अभी तक गोविंद देव थे परंतु अगर किसी को उन्होंने स्वप्नादेश किया नहीं, कहते नहीं भगवान कौन है ना, भक्त में जो भक्तिमान है, भक्ते भक्तिमान अर्थात भगवान साक्षात रूप में भक्त की सेवा करने के लिए अभिलाष रखते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी पास जब आए तब श्री गोपाल जी ने सत्य उनको स्वयं आदेश दिया कि माधवेंद्रपुरी मैं तुम्हें कई समय से बहुत पुराने मतलब बहुत समय हो गया मैं तुम्हें ही इंतजार किया हूँ, कब माधवेंद्रपुरी आएगा और मुझे यहाँ से निकालेगा और मेरा सेवा करेगा। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि भगवान भी भक्त के सेवा लेने के लिए, भक्ति के द्वारा सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान भी बहुत व्याकुल रहते हैं। तो इस प्रकार श्री रघु गोस्वामी पाद जी गोविंद देव को वहाँ से भक्तों के द्वारा कुछ ब्रजवासियों के द्वारा वहाँ पर जाकर जब उस स्थान पर जब खुदाई किए तब सुंदर गोविंद देव जी विग्रह प्रकट हुए। अभी जो विग्रह हैं जयपुर में विराजमान है। तो कालक्रम से फिर वहाँ से वृंदावन से गुरु गोस्वामी पाद जी के बाद में जवन शासन बने, उनके भाई से भी राजा मान सिंह ने जयपुर में सारे विग्रहों को ले गए स्थान स्थान पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन आदि। श्री गोविंद भगवान की, कहते इन्होंने श्री गोविंद देव का स्थापन किया। देखो हमारे संप्रदाय में एक एक चीज को याद रखो अच्छे तरह से। कहते हमारे संप्रदाय में विशेष करके तीन ठाकुर है, कौन है, गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन। अमरजीत प्रभु कथा कथा सुना सकता हूँ कि इन तीन ठाकुरों कैसे प्रकाशित किया है, तीन ठाकुरों को उन्होंने कैसे प्रकाशित हुए, ये कथा को सुनाओ। आ जाते सब एक एक कथा सुनाओ, तुम्हें कुछ सुनी पाए काली काली तिहारी से। ये तीन ठाकुर ये आप लोग ना देखो ये हमारी संप्रदाय की कथा है, हैं? इसलिए ये इस सब कथा को हमें याद रखनी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए, ये इसी चीज को याद रखना रखना। और मैं देखूंगा जो कल बोल पाएगा ना उसको इनाम दूंगा। सबको सबको मैं प्रश्न नहीं करूंगा, जो बोल सकते हो जो बड़े बड़े व्यक्ति आपको नहीं पूछूंगा, जो थोड़ी यंग है थोड़ी आपको मैं पूछूंगा। तुम लोग एक कॉपी लेकर जाना, ठीक है ना, एक कॉपी लेकर जाना जो कम उम्र के थोड़ी थोड़ी। बोलो। हम अज्ञानति मिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय उपरिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नाम्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार जोर कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ।
उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और सभी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में आजित पूज्य श्री भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और आप सभी लोग जितने भक्त लोग आए वैष्णव वैष्णवी माताएं प्रभु लोग सभी के चरणों में यथायुक्त प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे गोविंद देव के बारे में प्रभु जी ने बताया और रूप गोस्वामी जो हमारे छह गोस्वामी हैं जिनकी महाराज जी अभी बता रहे थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ करें ए छह गोसाई सही चरण बंदन या इतने विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। अगर इन गोस्वामियों को नाम भी लेता है ना, छह गोस्वामियों को नाम भी लेगा तो उसको क्या होगा, उसकी जो भी अभिलाषा है पूर्ण होती है और जितने भी बाधाएं विघ्न बाधाएं वो दूर हो जाती है। जैसे भगवान के नाम करने से हमारे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का नाम लेने से भी हमारी सारी विघ्न बाधाएं दूर होती है। इसलिए हम जय देते हैं ना तुलसी आरती के बाद कीर्तन करते वाला हरि हराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः, इसमें छह गोस्वामी का रोज नाम आता है। अगर तुलसी आरती याद कर लोगे उसके पीछे बारह कीर्तन तो सब याद हो जाएगी। ये महाप्रभु के प्रिय भक्त थे, शिष्य थे छह गोस्वामी, कम से कम ज्यादा नहीं, जो जय देते हैं पांच मिनट में हम जय देते हैं पांच मिनट के अंदर अंदर, तो पांच मिनट में रोज जय देंगे ना, अनपढ़ लोग भी है ना बड़े बूढ़े लोगों को भी याद हो जाएगी। मथुरा में हमारे गुरुदेव बड़े संस्कृत कीर्तन कराते थे, संसार दावा नल कृष्णा ही थे मुनिन्द्र वृंद वर्दी थे लोग शोक हारणी, और जिन्होंने कहा भी नहीं जानते ना, आप जानते हो ये बड़ा कठिन है, ये जो अष्टका में राधा रानी का मुनिन्द्र वृंद वंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंडित निकुंज भू विलास, कितने कठिन है ये एक श्लोक नहीं, ऐसे 15-20 श्लोक है। आप मथुरा में जाकर बूढ़ी से बूढ़ी माता जो कभी पढ़ी लिखी थी उसको भी याद है, वो गाते अभ्यास है ना, कि चैतन्य चरितार्थ में कहा है ये कठिन चीज है, परंतु रोज क्या है बार बार चिंतन करने से बार बार श्रवण करने से और बार बार कीर्तन करने से याद हो जाएगी। एक दिन नहीं होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, चार बार होगी, रूप गोस्वामी तिथि बार बार आती है। अभी हम लोग गुरु जी के मुख से सुनते थे बार बार रूपानुग रूपानुग रूपानुग, ये शब्द बहुत सुना रूपानुग, क्या सुनते 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 फिर पता भी लग गया क्या है रूपानुग। तो ऐसे हम लोग ये रूप गोस्वामी के विषय में सुन रहे हैं नया लग रहा है, छह गोस्वामी के विषय में सुन रहे हैं नया लग रहा है, पर बार बार सुनने से ना क्या होगा, इसमें क्या होगा, यही बहुत ही आनंद का विषय होगा और यही परम मंगल में होगा। तो इसलिए जो रोज हम करते हैं ना जय देते हैं कीर्तन करते हैं ध्यान से सुनो, अभी चिंता मत करो, अभी जब पहली बार रूप गोस्वामी के बारे में हो रहा है फिर हर साल होगा, ये हर साल स्थिति होगा फिर अगले साल होगा जाते जाते याद हो जाएगा। तो तीन जो ठाकुर थे महाराज जी ने आदेश दिया है गोविंद जी गोपीनाथ और मदन मोहन, जो गौड़ी वैष्णव के तीन ठाकुर है, वैसे तो बहुत सारे ठाकुर हैं राधा रमन राधा गोकुल नंद सात ठाकुर हैं जो गौड़ी वैष्णव के, उनमें क्या है वृंदावन जाओगे तो कम से कम सात ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए, कौन से गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन राधा श्याम सुंदर राधा गोकुल नंद और राधा रमन राधा दामोदर, ये सात ठाकुर है और उनमें सात में तीन मूल है, जैसे टैक्स देते ना कर ये मदन मोहन, सबसे पहले मदन मोहन, जितने भी बाके बिहारी राधा वल्लभ इधर है मदन मोहन जी का दर्शन नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा, और इधर जो गोविंद जी है इधर श्याम सुंदर आदि आदि जो मंदिर है गोविंद जी का दर्शन करना पड़ेगा, और इधर गोपीनाथ जी है जहाँ पर राधा रमन राधा गोकुल नंद उधर क्या गोपीनाथ जी है, तो तीन ठाकुर जी पूरे वृंदावन में तीन मूल ठाकुर है और तीन ठाकुर राधा रमन जी है, राधा रमन भी दर्शन करने का तीन ठाकुर जी का दर्शन का फल मिलता है। और तीन ठाकुर कैसे प्रकट हुए अभी बता रहे थे ना, काल क्रम से भगवान नित्य है, अभी तक मन में संदेह हुआ होगा मुसलमान लोगों से बचने के लिए हिंदू लोग या ब्राह्मण लोग या पंडित लोग क्या करते ठाकुर को सिपा देते, जिनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, जो अनंत कोटि ब्राह्मणों की रचना एक पल में करते हैं, अनंत कोटि ब्राह्मणों को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते, कहते ये क्या होता है, ये भगवान भक्तों की भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेम का आस्वादन कराने के लिए भगवान ऐसे निर्बल और दुर्बल और सेवा को बढ़ाने के लिए आकर्षित करने के लिए ऐसे बनते हैं। इसलिए कैसे कहते हैं कि भक्त चाहते हैं कि मेरे प्रभु हैं
छोटे हैं इनके अपने आप चल नहीं सकते, इनको मुसलमान लोग आक्रमण करते हैं, तो उनको क्या करते हो अपने बाल गोपाल समझ के, अपना बच्चा समझ के, अपना सखा समझ के बता रहे थे ना कल। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति, एक रागानुग भक्ति। वैधि भक्ति में भगवान की स्तुति आदि आदि होती है, और रागानुग भक्ति में क्या होता है भगवान को अपना माना, अपने से भी कम से कम अपना बच्चा छोटा माना जाता है, या अपना सखा अपना प्रियतम। लौकिक सद्बंधुगत भाव, ये आगे आगे आएगा, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं भक्ति के विषय में। भक्ति रस क्या है, लौकिक सद्बंधुगत भाव रूप को हमने शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है, अपने जैसा भगवान को भगवान न मानकर, बड़े ऐश्वर्य भगवान है ये कर देंगे, डर के, डर से भय से भक्ति नहीं होती है। इसलिए बताया आगे आगे भी चार प्रकार की भक्ति कैसे होती है, भय से होती है, कर्तव्य बुद्धि से होती है, और क्या होती है अनुराग के द्वारा होती है, और क्या होती है एक पापों से डरने की, चार प्रकार से भक्ति होती है। जो प्रेम से होती है राग से, यही गौड़ीय वैष्णव का मूल संपत्ति है, प्रेम से हमारे प्रभु हैं, हम उनकी प्रेम से सेवा करेंगे, कोई डर से नहीं, कोई भय से नहीं। तो ऐसे ही ठाकुर की सेवा होती थी, पर ठाकुर जी को जैसे राम जी है, हनुमान जी उनका नाम लेकर लंका को छलांग लगा गए। अभी क्या हो, राम जी तो एक पत्थर को दिया डूब गए हो, पर देख रहे हनुमान जी पीछे देख लिया, ऐसे क्यों करते हैं भगवान? भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए करते हैं। इसलिए क्या किया, मुसलमानों ने जब आक्रमण किया तो जो भक्त लोग थे, उनके सेवक लोग थे, उन्होंने उनको छिपा दिया। बाद में क्रम से भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा प्रकाशित करा दिया। तो ऐसे भगवान कभी प्रकाशित करा देते हैं, कभी अपने धाम को छिपा लेते हैं, कभी प्रकाशित करा देते हैं। तो जब भगवान द्वापर में अपनी लीला संवर करके गोलोक में चले गए, तब उनके जो भगवान के जो पोते थे, क्या नाम, पद्मना, क्या नाम, अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाथ, जो वज्रनाथ थे, उन्होंने भगवान की लीला प्रकाशित, सारे तीर सब ठाकुर को, लीला स्त्रियों को, आजादी को प्रकाशित किया। अब कैसे प्रकाशित करेंगे, तो उन्होंने अपनी दादी उत्तरा, उत्तरा ने क्या किया, भगवान का दर्शन किया था, साक्षात भी किया था, घर में भी किया था, उत्तरा भगवान की भक्त थी, और भगवान का पूर्ण रूप माधुरी का दर्शन किया था। उन्होंने कहा माता जी ठाकुर जी कृष्ण भगवान देखने में, कृष्ण मेरे दादा परदादा आदि आदि कैसे थे, भगवान कैसे थे देखने में। तो उन्होंने तीन विग्रह को प्रकाशित किया, एक विग्रह को सुंदर प्रकाशित किया, पर देखा उत्तरा ने कहा कि ये जो है ना, इनके चरण कमल तो भगवान की तरह है, कृष्ण की तरह चरण कमल है, बाकी इनका कोई चिन्ह नहीं मिला। तब इन्होंने क्या किया, फिर एक विग्रह को प्रकाशित किया, तो जो चरण कमल हुए उनका नाम रखा मदन मोहन, जो मदन मोहन पहले विग्रह ना मदन मोहन। फिर दूसरे विग्रह को प्रकाशित किया, बनाया अच्छी, जैसे जैसे उत्तरा ने बताया ऐसे बनाया। फिर कह रहे इसका तो बक्षस्थल तो मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा। तो इनका नाम क्या हुआ, गोपीनाथ, जो ठीक एकदम से जैसे ठाकुर थे उत्तरा ने वैसे ही बताया, और उन्होंने वैसे ही अच्छे अच्छे भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि जब भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं तो वो अपने को प्रकाशित करते हैं, नहीं तो कोई कलाकार, कोई भी शिल्पकार भगवान का विग्रह बना नहीं सकता। तो स्वयं भगवान ने प्रेरणा देकर और वज्रनाथ की इच्छा को जानकर उत्तरा देवी कृपा करके विग्रह को प्रकाशित किया, तब उनका नाम हुआ गोपीनाथ जी। फिर एक और विग्रह बनाए, इनका बड़ा सुंदर रूप था, कहते इनका जो रूप मिल रहा है, इनका जो चेहरा है, इनका जो मुखारविंद है, ये कृष्ण से मिल रहा है। तो तीन ठाकुर को उन्होंने प्रकाशित किया, पहले जिनके चरण कमल मिले उनका नाम रखा मदन मोहन, और जो दूसरे ठाकुर थे दूसरे ठाकुर जी का नाम रखा जो बक्षस्थल मिला गोपीनाथ, और जिनका मुखारविंद का दर्शन हुआ उनको क्या नाम रखा गोविंद देव। इसलिए इनकी रूप माधुर्य कीर्तन बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, जेव नाको कैसी तीर्थ घाटे सकाल। भगवान का रूप माधुर्य कैसा गोविंद देव का, ये रूप गोस्वामी ने बताया कितना सुंदर रूप माधुर्य है, कभी महाराज जी धीरे धीरे कल को बताएंगे। हरे कृष्ण, जो पीछे बैठे सामने आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो, कथा में बैठो, कल सवेरे कल सारे को हम कथा सुनाएंगे कि ठाकुर कैसे प्रकटित हुए हैं, ठाकुर का नाम क्या क्या है,
कल सबको सब बोलना, ठीक है, पीछे नहीं बैठना, कथा को आगे बैठनी चाहिए, सब धीरे धीरे आगे आ जा, आगे आ जा सब, हाँ गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की, बोले श्री मदन मोहन लाल की, बोले श्री गोविंद देव की। आप लोग ने सुना ये गोविंद देव श्री रूप गोस्वामी ने गुमा टीला में मिट्टी को अंदर में थे, रोज रोज एक गैया आकर के सुरभि गाभी आकर खड़ी हो जाती थी, अपने आप उसकी स्तन से दूध अपने आप चुचवाने लग जाता था, है? और ये बड़े दुखी थे रूप गोस्वामी, अभी तो मदन मोहन प्रकट हो गए, अभी गोपीनाथ प्रकट हुए, लेकिन अभी गोविंद देव कहा, बड़े दुखी होकर रूप गोस्वामी बैठे हुए थे, स्वयं ठाकुर जी आए एक ब्राह्मण रूप लेकर के, बोले बाबा क्या बात है तो दुखी होकर क्यों बैठे हो, बोले महाप्रभु ने आदेश दिया कि ठाकुर जी को प्रकाशित करने के लिए, लेकिन सब ठाकुर तो प्रकाशित हो गए लेकिन अभी तक गोविंद देव ही प्रकाशित नहीं हुए, अभी पता नहीं कहाँ, बोले बाबा एक काम करियो वहां पर जाना, देखना एक गाभी रोज आकर खड़ी हो जाती है, उसका स्तन से अपने आप दूध चुचवाने लग जाती है अपने आप, और वो मिट्टी को नीचे चली जाती है दूध, वहीं पर ठाकुर जी सचमुच से उन्होंने जब वहां पर गए ठाकुर जी को उन्होंने वहीं से प्रकट किया, बोले श्री मदन मोहन जीव की, बोले श्री गोविंद देव की, बोले श्री गोपीनाथ जीव की। इसलिए इनका एक आदेश था, जितने लुप्त तीर्थ है वो सारे लुप्त लुप्त विग्रह है विग्रह को प्रकटित किया, दूसरा आदेश क्या था, बोले इनके प्रति आदेश था जितने शुद्ध भक्ति ग्रंथ है वो सारे भक्ति ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने इतने ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया। सुन लो एक ग्रंथ का कथा सुन लो, एक ग्रंथ का नाम था चाटू पुष्पांजलि, क्या नाम था, चाटू पुष्पांजलि इनका एक ग्रंथ है, कहते ये ग्रंथ में इन्होंने वर्णना किया था राधा रानी कितने सुंदर है, राधा रानी उनका बेड़ी कैसे, उनका तिलक कैसे, उनकी कपड़ा कैसे, उनकी आंखों की यहाँ छटा कैसे, उनकी मुखार बिंद कैसे, उसमें केवल राधा रानी की बड़ी सुंदरता उन्होंने वर्णना किया, वर्णना करते हुए वो ग्रंथ को उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी बड़े भैया को दिया, बोले बड़े भैया देख मैंने ये ग्रंथ प्रकाशित किया बताओ कैसे, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर राधा रानी की है, अद्भुत रूप है श्री राधा रानी की है, इतने अद्भुत रूप श्री राधा रानी की वर्णना की, लेकिन वर्णना करते करते इतने में जब उनको चोटी को वर्णना की, उन्होंने चोटी को उन्होंने बता दिया ब्याल बाला गिणी पड़ा, बोले राधा रानी का जो चोटी है कैसे है, जैसे काला नागनी जैसे, काला नागनी जैसे, आप लोग चोटी बनाते हो, चोटी कैसे होता है, काले सांप जैसे, अब देखना चोटी ऊपर मोटा नीचे पतली होती है ना, इसलिए और एक साथ में कभी कभी क्या करता है जो छोटी बनाते हैं तीन चार छोटी बना देते हैं बाल को, तीन छोटी, और राधा रानी की जो बाल कितने बड़ी है बताइए, सर से लेकर पैर तक राधा रानी की इतने लंबी लंबी बाल है, अद्भुत उनके बाल है, इसलिए उन्होंने बता दिया बेणी बालांगिनी पड़ा, उनका जो बेणी है काला नागनी का नाम, अभी उन्होंने उसको पढ़ करके सनातन गोस्वामी ने कहा तो भैया तुमने तो बहुत बढ़िया वर्णना किया, अच्छी वर्णना किया, लेकिन एक चीज ना मेरे को पसंद नहीं हुआ, बोले क्या, बोले राधा रानी कहा प्रेम स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी रस स्वरूपिणी है, राधा रानी मिठे रस से भरे रे, राधा रानी लागे मिठे रस से, और ये राधा कौन है, कृष्ण प्रेम रस की धारा है, प्रेम रस की धारा, और इतने सुंदर राधा रानी की सब तो बढ़िया, लेकिन जो बेणी है ना तुमने एक काला नागनी, और जो सांप जहरीले होते हैं और ये जहरीले सर्पों के साथ में तुमने तुलना दे दिया, ये ना थोड़ी सी मेरे कटपट लगी, लेकिन और बढ़िया हुए, लेकिन रूप गोस्वामी वो कौन है, राधा रानी की रूप मंजरी, राधा रानी की सहचरी, और साधारण कवि जैसे लिखते है ना अपना अपना एक मन कल्पना को एक रूप के देते हैं, भक्त लोग ऐसे नहीं कहते, प्रेमांजन छोरी तो भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयते, वो कैसे लिखते हैं, जब भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ तो होते हैं पूरा ठाकुर जी की सारे लीला दर्शन करते हैं, जैसे ठाकुर जी की लीलाओं को दर्शन करते हैं ना वो ठीक वैसे लिखते हैं,
इसने कभी जैसे मन में जो आया नहीं, उनने जो देखा वही लिखा। तब रुको गोस्वामी ने कहा, बड़े भैया मैं इसको कोशिश करूंगा सुधारने के लिए। सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते थे गिरिराज की। परिक्रमा करते करते जब राधा कुंड में आए, देखा रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही, बड़ा सुंदर एक कदम का वृक्ष और उसमें एक सुंदर झूला डला हुआ और उस झूले को बीच में एक अपूर्व 13.5 साल की बड़ी प्यारी एक बालिका बैठी कर बैठी हुई और अगल बगल में कुछ सखियां उनको झूला झूला रही थी। और झूला झूलाते समय वो कौन थी, बल्कि ये श्री राधा रानी थी। और जैसे झूला में बैठी चोटी पीछे लटक रहा है और राधा रानी का चोटी तो सर से लेकर पैर तक बाल इतने बड़ी बड़ी और वो नीचे बेड़ी लटक रहा था, बेड़ी लटक रहा था और ऐसे लग रहा था मानो दूर से ये लड़की की सर के ऊपर में पीछे से 3-4 काले नागनी जैसे चढ़े हुए, पीठ के ऊपर चढ़े हुए उनको काटने जा रहे। दूर से ऐसे लग रहा था, हिल रहा था ना राधा रानी, हिल रही थी चोटी भी ऐसे हिल रही थी और दूर से लग रहा था जैसे सांप उसको पीठ के ऊपर चढ़े हुए। इतने में सनातन गोस्वामी देख करके बोले, लाली लाली तुम लोग को दिख नहीं रहा है, ये लाली को पीछे के ऊपर 3-4 सांप चढ़े हुए हैं, तुमको दिख नहीं रहा है। उन्होंने दौड़ते हुए जब आए ना, इतने में वो जो बीच में राधा रानी बैठी हुई थी उनको तरफ में थोड़ी देखे और थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुरा दी। हम मुस्कुरा करके ना वो कहीं अंतर ध्यान, वो लीला सारे खत्म। बोले ये क्या, मैं क्या सपना देखा, मैं सचमुच से तो देख रहा था कि लाली बैठी हुई थी। फिर उनको याद आया, अरे ये रूप गोस्वामी वो जो चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ में राधा रानी की जो चोटी को काला नागिनी को साथ में उदाहरण दिया है, ये मैंने बोला था उसको सुधार दो और राधा रानी ने प्रमाणित करके दिखाया, नहीं ये रूप गोस्वामी जो लिखा है वो सही लिखा, जो उसने लिखा सही लिखा है, इसको प्रमाणित करने के लिए आज राधा रानी मुझे दर्शन दिया है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। इसलिए मतलब इनका जो ग्रंथ जो साक्षात रूप में जो दर्शन किया लीलाओं को ठीक वैसे उन्होंने करते थे। फिर आकर के इन्होंने बड़े भैया छोटे भैया से बोले, बोले रूप तुमने जो लिखा है ना सही लिखा, उसको सुधारने का जरूरत नहीं। आज राधा रानी मेरे को साक्षात रूप में तेरी कृपा से राधा रानी का हमें मुझे दर्शन हो गया। ऐसे इनकी ग्रंथ की महिमा, अद्भुत इनकी ग्रंथ की महिमा। और श्री कहते ये दो भाई थे ना, दो भाई का नाम क्या था बोलो जोर से, रूप और सनातन। ये दोनों भाई क्या करते थे, एक रहता था टेर कदम पे नंदगांव में, जो टेर कदम कौन कौन देखे हो, टेर कदम कौन कौन गए नंदगांव के, टेर कदम कौन कौन गए, टेर कदम को गई नहीं, इसलिए वहां पर टेर कदम पे रूप गोस्वामी रहते थे। और उनका जो बड़े भाई सनातन गोस्वामी वहां पर एक पावन सरोवर है, एक पावन सरोवर में दोनों भाई अलग रहते थे, लेकिन कभी कभी दोनों भाई इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर क्या करते थे, आपस में हरी चर्चा करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी बड़े भाई छोटे भाई के पास में आए और आपस में हरी चर्चा कर रहे। हरी चर्चा करते 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 अभी छोटे भैया सोच रहे हैं, इतना दिन को बाद में बड़े भैया आए हैं, कुछ तो बड़े भैया को खिलानी चाहिए ना। और ये बड़े भैया को खीर बहुत पसंद है, इनको खीर बहुत पसंद है, हम खीर बना कर खिला कर बनाएंगे। लेकिन आज से कितना साल पहले, 500-550 साल पहले वहां पर कहां से खीर बनाएंगे, वो तो घनाघोर जंगल और कुछ है ही नहीं। और उसी समय जो नंदगांव देख रहे ना, अभी कितना लोग है, 3-4 परिवार किसी तरह से रहते थे और ऊपर में एक मंदिर होता था और उस मंदिर के ठाकुर जी को पूजा करते, तो गुरु होते नहीं थे। अभी इनकी इच्छा को कौन पूरी करेगा, उनको खीर कौन खिलाएगा। इतने में राधा रानी है, राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु राधा रानी है। अभी राधा रानी की चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए राधा रानी छोटी बालिका बन गई, बड़ी प्यारी बालिका बन गई। दूध चीनी काजू किशमिश है सब लेकर के राधा रानी आ गई। आकर के बोले बाबा बाबा लो इसको, लो खीर बना देना, खीर बना करके इसको खा लो। बोले ठीक है लाली तू रख करके चले जा। लेकिन इनकी कथा ही खत्म नहीं हो, कथा ही खत्म नहीं हो रहा है और उसमें डूब गई कथा में। फिर राधा रानी घूम घाम कर गाती है, बोले बाबा बाबा तुम लोग कथा करते रहो, अभी मैं खीर बना देती हूँ। और राधा रानी है ना झट कंडा लग जलाए और फटाफट उन्होंने खीर को बना दी। बोले बाबा खीर को भोग लगा करके भोजन कर लेना,
बोले ठीक है लाली तू चला जा, हम भोजन कर लेंगे, कोई चिंता नहीं। जब वो चली गई इतने में बड़ी देर में दोनों की हरी चर्चा खत्म हुई। जब हरी चर्चा विश्राम हुई, अभी सोच रही कोई कि लाली आई थी, अरे ये बोल कर गई हमने खीर बना कर गई हूँ, देखा सचमुच से बड़ी सुंदर खीर बना हुआ है, बड़ी प्यारी खीर। तब उन्होंने ठाकुर जी को, रूप गोस्वामी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तुलसी पत्ता दे करके, और जो बड़े भाई को खीर खिलाए ना, उनने जीवन में तो बहुत खीर खाए हैं, जीवन में हैं, जीवन में बहुत खीर खाए, लेकिन ये खीर को बनाया किसने बताओ, ये खीर को किसने बनाया, राधा रानी। भोग किसने लगाया, रूप गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी कौन है, राधा रानी की रूप मंजरी है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्याः प्रजचति तद अहम भक्त उपरीत अस्नामी प्रजत आत्मा। भगवान कब चीज को ग्रहण करते हैं, ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं हम भगवान को दे दिया और ठाकुर खा लिए, नहीं। देखो ठाकुर को ना एकदम पीछे मत करो, ठाकुर थोड़ी सी घूम करके बैठो, ठाकुर को पीछे नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, हैं अगर कोई भक्त मेरे को पत्र पुष्प फल और पानी ठाकुर को कैसे देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए। भगवान कहते हैं जो भक्ति पूर्वक मेरे को दे, ऐसे नहीं लेकर के ठाकुर के सामने रख दिया, ठाकुर जी खा लो तुलसी बता दे दिया, नहीं। भगवान किस चीज को देखते हैं, तुम्हारी अंदर में कितने भक्ति है, कितने प्रेम उसका अंदर में। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए मैं नहीं प्रेम, भगवान प्रेम चीज को देखते हैं, हैं? बोले दुर्योधन को मेवा त्यागे साग विदुर घरे खाए, सबसे ऊंची प्रेम। भगवान प्रेम चीज को देखते हैं और कोई चीज को नहीं देखते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी रूप मंजरी इतने बड़ी सखी और बनया राधा रानी, और उनको रूप मंजरी ने ठाकुर को भोग लगाया, समझो ठाकुर जरूर खाते हैं, भक्तों का चिया ठाकुर जरूर खाते हैं, हैं? और जब उन्होंने बड़े भाई को खिलाया ना, सनातन गोस्वामी जीवन में बहुत खीर खाए, लेकिन ऐसे जीवन में स्वादिष्ट खीर कभी उन्होंने खाए नहीं। वो खीर खाते ही इनका रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई, हृदय प्रेम में गदगद हो गया। उन्होंने बोले, बोले रूप तुमने मन में कुछ सोचा था, बोले हाँ भैया मैं तो सोच रहा था आप बड़े दिन में आए हो, आपको कुछ हम खीर खिलाए। बोले रू ये घना घोर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझेगा और कौन ये खीर बना करके जाएगा बताओ, वो जो बालिका थी और कोई नहीं, वो स्वयं से राधा रानी थी, ये खीर खा कर देख इसमें कितने स्वाद है, इसमें कितने स्वाद है। कहा राधा रानी की सेवा करनी चाहिए और राधा रानी हमारी उल्टा सेवा करके श्री राधा रानी गई, इसलिए ऐसे नहीं करनी चाहिए। राधा रानी से उन्होंने माफ मांगी, देखो ये कितने बड़े भक्त हैं जिनके लिए राधा रानी स्वयं आ करके क्या बना करके जाती हैं, इनके लिए उन्होंने ये खीर बना करके राधा रानी जाती है। तो समझो ये कितने बड़े संत है, कितने बड़े संत ये। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन में भजन करने के लिए आते हैं, एक दिन बहुत दुखी हो गए, दुखी होकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। बोले क्यों, बोले मैंने इतने बड़े राजपाट छोड़ करके भजन के लिए आया, अभी तक तो राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर में हुई नहीं, राधा रानी की कृपा ही नहीं हुई, और ये शरीर रखकर क्या लाभ है, शरीर को हम त्याग दे देंगे, शरीर को हम छोड़ देंगे, हैं? इसलिए एक दिन खाना पीना छोड़ दिए। जब छोड़ दिए इतने में राधा रानी स्वयं आ गई, बालिका बन कर गई। बोले बाबा बाबा खाना क्यों नहीं खा रहे हो, भोजन क्यों नहीं करते। बोले लाली हमने इतने राजपाट छोड़ करके वृंदावन में आए भजन करने के लिए, अभी तक तक ईश्वर जी की हमारे ऊपर में कोई कृपा ही नहीं हुई है, राधा रानी की कोई कृपा ही नहीं हो रही है। जब वृंदावन में आकर के राधा रानी की कोई कृपा ही नहीं होगी, पर ये शरीर रख करके क्या लाभ है, ये शरीर को मैं त्याग दे दूंगा। तब राधा रानी बड़ी मीठी मीठी बोली से बोलते, बोले बाबा ये जो वृंदावन में तुम जो ये वृंदावन में रह रहे हो ना, ये किशोर जी की कृपा है, जिसको ऊपर में श्री किशोर जी की कृपा हो वही केवल ये वृंदावन वास कर सकता है, और जिसको ऊपर श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो वो ब्रजवास नहीं कर सकता है।
है, नहीं कर सकता, इसलिए जो ब्रज में रह रहे हो ये बड़ी राधा रानी की कृपा है। अब देखना बाहर जा करके साधन बड़ा कठिन है, लेकिन वृंदावन में तो ना आसानी से हो जाता है। क्यों? बोले ये क्या? बोले यमुना है। बोले कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे थे है सखियों के साथ में। बोले ये क्या है? बोले निधुवन है, यहीं पर बांके बिहारी प्रकट हुए और यहीं पर कुंज कुंज में श्याम सुंदर लीला कर रहे थे। बोले ये क्या है? बोले ये सेवा कुंज है। बोले यहाँ पर क्या हुई थी? बोले राधा रानी रास करते करते जब थक गई ना, श्याम सुंदर ने राधा रानी जी चरण की सेवा की थी। बोले यहाँ क्या? बोले इमली तला है ना। बोले यहाँ पर क्या हुई थी? बोले वहीं पर कृष्ण जब रास छोड़ करके आ गए और राधा रानी की चिंता करते 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 कृष्ण जो काले है ना, ये गोरे बन गए थे यहीं पर। बोले ये क्या है? बोले दान गली, मान गली, जमुना गली, कुंज गली, इसमें कृष्ण गोपियां जमुना में पानी भरने जाती थी और राधा रानी इधर मान करते हुए मान सरोवर चली गई और रो रो करके आंखों का आंसुओं से उन्होंने पूरा उन्होंने तालाब बना दिया। इसलिए कहते ब्रज में है ना, नहीं चाहने पर भी अब सारा दुनिया में कहीं जाओ कहीं भगवान के नाम सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन वृंदावन आप जिसको देखोगे ना सबके सब किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो और जोर से। इसलिए देखना सबके सब श्री राधा रानी का, सबके सब श्री राधा 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 नाम लेते। इसलिए राधा रानी कहती जो ब्रज की जो वास है ना, बड़े भाग्य से कई जीवों को ब्रजवास बड़े भाग्य से मिलता है। लेकिन आप लोग भी तो ब्रज में रह रहे हो, आप लोग भी ब्रज में रह रहे हो। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं जति नगरी है, बोलो उसके बाद में क्या? भजन देखी गृह ते गोलक भाय, जति नगरी है भजन देखी गृह ते गोलक भाय, चरण सीधो देखिया गंगा सुख न सीमा पाय, शुद्ध भक्त चरण रेणो भजन आनो बोला। इसलिए कहते भक्त मन ठाकुर जतिन गृह भजन देखी गृह तो गोल हो, ये चीज को अच्छी तरह समझो। यहाँ पर भक्त मन ठाकुर कहते हैं जितिन गृह भजन देखी, जिस दिन हमारे घर में ठाकुर का भजन पूजा कीर्तन होना, तुम्हारी घर ही वृंदावन, तुम्हारे घर ही वृंदावन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो गौड़ीय मठ और मेरे जो भक्तों का घर नहीं, वो गोलोक वृंदावन मैंने उतार कर लाया, राधा रानी की निकुंज महल को मैंने गोलोक वृंदावन से उतार दिया। इसलिए लेकिन हमारा घर वृंदावन कब होगा? जब घर में भगवान के भजन कीर्तन पूजा पाठ हो तभी तो होगा ना, तभी तो होगा। अगर ये चीज नहीं हो तो फिर वृंदावन कैसे होगा? तो घर को वृंदावन कैसे बनानी चाहिए? हैं वृंदावन में क्या होता है? सवेरे सवेरे सखी मंजरिया उठती हैं, उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं? सवेरे उठ करके स्नान करते हैं। कब? सवेरे सवेरे, एक दिन नहीं, दिन 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर से उठे नहीं। देखो ये चीज को समझो, कहते जो व्यक्ति लेट में उठते हैं उनका बहुत हानि है। एक तो घर में लक्ष्मी स्किन आएगी नहीं, कभी लक्ष्मी उस पर टिकेगी नहीं। इसलिए आप लोग देखना आप जो पुराने जितने सब माता हैं कितने बजे सवेरे उठती थी? 3-4 बजे उठ जाती थी सब माताएं। उठकर क्या करती थी? गोबर का मिट्टी लेकर के छिड़काव करती थी, घर साफ सुथरा करती थी, घर के आंगन साफ करती थी, घर का सामने धो धो कर साफ करती थी, यही काम करती थी ना है। सवेरे उठ करके ठाकुर का अर्चन पूजा यही करती थी। इसलिए तभी घर में लक्ष्मी रहेगी, नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी, घर से लक्ष्मी चली जाएगी, पैसा आएगी नहीं उसी घर में। इसलिए नियम है, इसलिए 4 तरह का स्नान है। कितना तरह का स्नान? कहते हैं कि ऋषि स्नान, एक देव स्नान, एक नर स्नान और एक राक्षस स्नान है। ये तो 4 तरह का स्नान है। कहते ये ऋषि स्नान किसको कहते हैं? बोले ऋषि स्नान कहते हैं, देखना हमारे जितने गौड़ीय मठ में ना, जितने गौड़ीय मठ में हमारे मंदिर में जाना, आरती से पहले उठ जाएंगे, उठ करके क्या करके सबसे पहले नहा धो करके तिलक करके आरती में आ जाएंगे। कहते ब्रह्म मुहूर्त समय में उस समय जो उठ करके नहा स्नान करते हैं, ऋषि मुनि पहले कैसे स्नान करते थे? सवेरे उठ करके नदी में, गंगा में, जमुना कहीं नदी हो उसमें जाकर स्नान करते थे सवेरे। देखो ना तुम्हारे जितने माताओं को देखो, घर में देखी ना माताओं को, सवेरे सवेरे उठ जाते थे। ऐसे नहीं टीवी देखे 1-2-3 बजे सोते रहे 1-10-11 बजे, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहला एक स्नान कौन सा स्नान हो गया? ऋषि स्नान है। और दूसरा स्नान है, कहते इस पर ऋषि स्नान करते, उसी समय जो नहाएगा ना, अब स्वयं देख लेना, अब नहा धो लो,
शरीर फ्रेश हो जाता है, मन में पवित्र भावना आ जाती है। आती है ना, जब तक आप स्नान नहीं करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होती। स्नान करते ही मन तुम्हारी अपने आप मन पवित्र हो जाती है। स्नान करने के साथ साथ मन तुम्हारी पवित्र हो जाती है। इसलिए एक ऋषि स्नान, दूसरा स्नान देव स्नान। बोले देव स्नान किसको कहते हैं? देवता लोग कब स्नान करते हैं? ठीक सूर्य उदय होने से पहले वो नहा लेते हैं, इसको देव स्नान कहते हैं। कहते नर स्नान, नर मतलब इंसान, इसको स्नान किसको कहते हैं? बोले ठीक सूर्य उदय है, ठीक सूर्य उदय एकदम उसी समय स्नान कर लो, उसको बाद में नहीं। कहते ये राक्षस स्नान किसको कहते हैं? बोले सूर्य उदय को बाद में जो स्नान करते हैं, क्या कहते हैं इसको? राक्षस स्नान कहते हैं। आप बताओ अभी देख लो कितने बजे से तुम लोग नहाते हो और तुम्हारी स्नान कैसे स्नान, अपने आप देख लो है, अपने आप देख लो। इसलिए क्या करनी चाहिए? सवेरे उठ करके नहा धो करके फिर भगवान के नाम कीर्तन पूजा, और सबसे पहले नहा धो कर करना क्या? पहले तिलक लगाना। क्या करना? वैष्णव का सबसे पहला धर्म है तिलक लगाओ, क्योंकि तिलक लगाए बगैर कोई काम कर ही नहीं सकते। इसलिए कोई व्यक्ति तिलक लगाए बगैर महाप्रभु को क्लास में आए, निकाल दिया महाप्रभु क्लास से, उसे बोले क्लास में नहीं बैठ सकते, घर में जाओ, तिलक लगा कर गुरु मंत्र जप करके आना है। इसलिए फिर क्या करें? ठाकुर जी का आरती उतारो, अपना गुरु जी की मंत्र जप करो, भगवान के नाम को जप करो, ठाकुर जी की आरती करो, फिर क्या करो उसके बाद में? तुलसी परिक्रमा करो। देखो रोज तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए, ठीक है ना? घर में तुलसी की रोज पानी दो, पूजा करो और उसको परिक्रमा करो। और परिक्रमा करते समय कौन सा भजन गा करके परिक्रमा करोगे? बोलो जय राधे जय कृष्ण। देखो अगर याद नहीं हो ना, हमारे जो गौड़ी गीत कुछ भी भजन है उसको देख देख करके परिक्रमा करना। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने ये कीर्तन लिखा है, ऐसे एक कीर्तन है। एक कीर्तन अगर आपने कर लिया पूरा तुम्हारे वृंदावन याद हो जाएगा, पूरा वृंदावन का सारे लीला स्थल ऐसे एक कीर्तन। ये कीर्तन को रोज गाया करो, रोज कीर्तन को तुलसी परिक्रमा करते समय गाया करो। कौन सा भजन है? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन काली यमुना जय जय महावन कैसी घाट बंसी बट द्वादश कनाना जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोप गना श्री समाधि जय जय धेनुवस्त गन। देखो ऐसे कीर्तन है ना, पूरा वृंदावन कृष्ण के जितने ग्वाल बाल यमुना गोविंद गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन सब एक कीर्तन में सब है। अगर घर में रहते हुए अगर एक कीर्तन का आप स्मरण करोगे ना, आप घर में नहीं कहाँ रहोगे? जिसको याद करोगे वही रहोगे, तुम्हारी जहाँ मन है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नैद अखिल ईत उपदेश सारम। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति कहाँ पर रह कर करे? बोले वृंदावन में रह कर करो। बोले सब अगर वृंदावन चले जाएंगे पैसा कहाँ से आएगा? तो वहां पर रहेंगे इतना लोग कहाँ से? बोले भले ही आप वृंदावन शरीर से मर जाओ लेकिन मन से वृंदावन मन से जाया करो। मन से कैसे? अगर घर में रहते हुए भगवान का कीर्तन पूजा ठाकुर करो ना, तुम्हारी घर ही वृंदावन है, तुम्हारी घर ही वृंदावन। घर में जो झाड़ू लगाओ क्या करो, समझो भगवान के दरबार में झाड़ू लगा रहे। इधर तो झाड़ू लगाओ हाथों से और मुंह से क्या करना? बोले गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति। इसलिए गोपियां हाथों में झाड़ू लगा देती और मुंह में क्या कर देती? ठाकुर का नाम लेती। वाह हो गया तुम्हारी सारे काम, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी का नाम, हाथों में काम मुंह में बस बड़ा ही पार है।
कुछ करने का जरूरत नहीं, घर में बैठ बैठ कर मुक्ति है, ठीक है ना। इसलिए श्री रूप गोस्वामी राधा रानी कहती है, बोले बेटा राधा जी की तरफ पर में बड़ी कृपा है, तभी तुमको ये ब्रजवास मिला है। साधारण भाग्य से ब्रजवास कोई नहीं करते, राधा जी की कृपा से। वो कौन थी? वो स्वयं राधा रानी थी, जब उन्होंने बड़ी मीठी मीठी शब्द से ये बात बोली ना, रूप गोस्वामी का हृदय तो भर गया, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी थी ना। राधा रानी आकर के बोल कर गई, एकदम उसका हृदय प्रेम में गदगद हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया। इसलिए इसलिए श्री रूप गोस्वामी की जो चरित्र जो कथा है अद्भुत है, अद्भुत उनके एक एक जो ग्रंथ है। इसलिए अगर हमें कोई पूछे ना तुम्हारी क्या परिचय है, हम लोग कहते हैं हम श्री रूपानुग। क्या कहते हैं? रूपानुग, मतलब श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम भगवान की भक्ति करते हैं। जब तक इनकी अनुगा नहीं होना, जब तक इनकी अनुगत्य नहीं करो, तब तक जीव भगवान की जो सेवा, राधा कृष्ण की जो जुगल सेवा में प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर। इनकी कृपा होगा तो फिर हम ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश कर सकते। इसलिए हम लोगों के ऊपर में रूप गोस्वामी की बड़ी कृपा है। इसलिए हम लोग फिर कल से सुनेंगे रूप शिक्षा। रूप शिक्षा मतलब है महाप्रभु ने ये रूप गोस्वामी को जो शिक्षा प्रदान किया, वो जो शिक्षा बड़ी अच्छी शिक्षा है, ठीक है ना। इसलिए जो थोड़ी लिखे पढ़े ना, कोशिश करना एक काफी और एक पेन लाने के लिए। ये शिक्षा इतनी अच्छी शिक्षा है, इस शिक्षा को सबके सब तुम जो लिखे पढ़े हो थोड़ी थोड़ी, तुम लोग जो लिखे पढ़े काफी और एक है पेन लेकर जाना, ठीक है, जो थोड़ा लिखे पढ़े हो। और जो लिखे पढ़ा नहीं केवल सुनना, ठीक है, ध्यान लगा कर मन से ध्यान लगा कर सुनना, ठीक है। बोले श्री रूप गोस्वामी की जी। आज किसका जन्मतिथि है? किसकी है? ओ इस प्रभु जी की, इनकी बेटे की। बेटे आया है कहाँ है? हाँ उपलक्ष्य में। हाँ देखो आज हमारे क्या नाम प्रभु जी? आदि कृष्ण। राधे कृष्ण, आदि आदि कृष्ण, आदि कृष्ण, अनादि कृष्ण। इसलिए हमारे श्री अनादि कृष्ण प्रभु, उनकी एक छोटा बेटा है, आज से इनकी जन्मतिथि है। इसलिए उन्होंने उनको उपलक्ष्य करते हुए आज सभी के लिए इन्होंने भगवान की प्रसाद की व्यवस्था की है। इसलिए आप लोग सबके सब अपना हृदय से, हम लोग संत हो भक्त हो, पहले ठाकुर को भोग लगेगा, पहले ठाकुर जी का भोग, उसके बाद में भक्तों की सेवा है। ठाकुर जी उसको ऊपर में कृपा करे, खूब फलते फूलते रहे, कुछ अच्छे तरह से लिखाई पढ़ाई करे, और जीवन में वो बच्चा खूब भगवान की भक्ति करे। आप लोग हृदय से वो बच्चे को सबका आशीर्वाद दो, और इनके लिए ताली बजाओ जोर से। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। ठीक ठीक कथा विश्राम करते हैं ना, अभी ठाकुर जी आरती होगी, आरती को आरती होगी, सब सबके सब आरती का प्रसाद लेकर के सबके सुजाना, और सबको आपका ऑर्डर से बड़े जितने भक्त हैं सबको बुला करके ले आना, ठीक है। हमारे से बहुत सारे भक्त दिख नहीं रहे, जो 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 हरिनाम लिए भक्ति लिए उनको सब बुला कर लाना सबसे, ठीक है। आप सबके सब आरती आरती करने वाले कौन है? हरे कृष्णा है, ये आरती आरती कौन करेगा? हरे हरे कृष्णा, हरि बोल, अनुपम प्रभु, अनुपम अनुपम जी। संडे को सुबह 6:30 बजे नगर संकीर्तन होगी, एकादशी है उसमें, एकादशी संडे। कोशिश करना सबके सब आ जाने के लिए, ठीक है ना, नगर संकीर्तन है। और ठाकुर जी को भोग लगेगा, भोग लगा रहे हो तो क्या कर रहे हैं? जो वहां पर लगा भोग लगा दो, जाओ वाले से और एक कथा सुन लेते। ओ हरे कृष्ण, अभी वो बोल रहे हैं हरे कृष्ण, ठाकुर जी को भोग लगाए हरे कृष्ण, और एक कथा सुन लो रूप गोस्वामी की, और एक छोटी सी कथा सुन लो। कहते श्री रूप गोस्वामी ये वृंदावन में जब निवास करते थे, बड़ी विद्वान थे, बड़ा विद्वान थे, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भक्ति रसामृत सिंधु। क्या ग्रंथ का नाम? भक्ति रसामृत सिंधु, मतलब जो भक्ति नहीं, जो भक्ति रस है, रस नहीं वो अमृत है, वो अमृत नहीं वो क्या है?
एक समुद्र है, एक है ये समुद्र भक्तिरस का ही एक समुद्र अद्भुत ग्रंथ है। कोशिश करना वो ग्रंथों को पढ़ने के लिए, ठीक है। वो ग्रंथ थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको फिर सर्कट में बनाया, इतनी छोटी सी ग्रंथ में बनाया, जिसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु और बिंदु। वो सिंधु मतलब समुद्र और ये है ये इसका बिंदु, ये लिखे मतलब बूंद के बराबर है। उन्होंने और एक ग्रंथ बनाया। एक समय वो ग्रंथ को लिख रहे थे, लिखते समय एक बहुत बड़ा विद्वान था जो श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के बहुत बड़े साधु, जिनका नाम था श्री वल्लभाचार्य। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? कभी श्री कौन सुने? इसलिए जिनका नाम श्री वल्लभाचार्य तो बड़े विद्वान थे। इन्होंने भागवत ग्रंथ की टीका लिखे जिसका नाम सुबोधनी, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने ब्रह्मवाद को मायावाद को यही सब उन्होंने खंडन किया, खंडन किया। 108 सोने की कलसी में कहते सोने की कलसी में उनको अभिषेक की गई। इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन वो एक दिन आए रूप गोस्वामी को बोले कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? बोले इसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। तो उन्होंने देखा उसमें मंगलाचरण में क्या लिखे, वो मंगलाचरण श्लोक में लिखा हुआ था भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावत हृदय वर्तते। इसका मतलब है कि जब तक हमारी भगवान को भक्ति करना तो कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा। बोले क्या चीज? बोले भुक्ति। भुक्ति मतलब भोग की वासना है। जो कुछ करे जीवन में हम भगवान की सेवा करते हैं। रसोई बना रहे तो अपना लिए रसोई, ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे। घर में झाड़ू लगाए तो भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते। कपड़े पहने तो क्या समझे, गंदे शरीर से कैसे ठाकुर को सेवा करेंगे? स्नान करके अच्छे कपड़ा पहनेंगे तब तक ठाकुर को सेवा करेंगे, हैं? तब तक सेवा करेंगे। इसलिए कहते भुक्ति मुक्ति। मुक्ति मतलब होता है जो व्यक्ति चाहते हैं भगवान निराकार है, निर्विशेष हो, तभी ज्योति स्वरूप है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना ज्योति को ब्रह्म ज्योति में लीन कर देंगे, अपना आत्मा को परमात्मा में लीन कर देंगे। नहीं, भक्त ये नहीं चाहते। भक्त चाहते हैं जैसे श्री हनुमान जी, जैसे गोपियां, श्री सूरदास जी है, जैसे मीरा, भगवान की जैसे भक्ति की, प्रेम की, उनकी सेवा की। भक्त उनकी सेवा चाहते, मुक्ति नहीं चाहते है। कहते जो भगवान की जब तक हृदय में ये भुक्ति और मुक्ति की इच्छाएं रहेगी तब तक ये हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आएगी। कहते भुक्ति मुक्ति कैसे है, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कि पिशाच। पिशाच का नाम सुने, जैसे भूत है। पिशाच क्या करता है, शरीर में प्रवेश करके सारे खून को चूसता है, सारे खून को चूसता रहता है, और एक दिन उसको खत्म कर देता है, उसको पिशाच कहते हैं। कहती है भक्ति मुक्ति की जो इच्छाएं हैं वही पिशाच के समान है। इसलिए भगवान की भक्ति करना तो भक्ति मुक्ति स्प्रिया नहीं रखनी चाहिए, केवल भगवान की भक्ति प्रेम की इच्छा रखनी चाहिए। तब तो वल्लभाचार्य ने कहा तुमने ये भुक्ति मुक्ति को एक पिशाच को साथ में उदाहरण दे दिया है, एक प्रेत भूत को साथ में कहा। मंगलाचरण में कहा अच्छी चीज लिखनी चाहिए, मंगलाचरण में कोई अच्छी चीज लिखनी चाहिए, लेकिन तुमने क्या लिख दिया उसको, मुक्ति और है पिशाच को साथ में। इसको थोड़ी सी तुम सुधार दो, इसको थोड़ी तुम सुधार दो। बोले ठीक है मैं इसको सुधार दूंगा। जब इतना बोल करके वल्लभाचार्य यमुना में स्नान करने के लिए गए, उसी समय श्री रूप गोस्वामी का एक शिष्य था जिनका नाम था श्री जीव गोस्वामी। क्या नाम था? श्री जीव गोस्वामी। बड़े विद्वान, प्रखर विद्वान है, इतने बड़े विद्वान जीव गोस्वामी। उसी समय उनके बड़े विद्वान कोई पृथ्वी में, इतने बड़े विद्वान पृथ्वी में कोई नहीं थे है? इतने बड़े विद्वान जब गोस्वामी लोग सारे ग्रंथ लिखते थे उसका जो प्रूफ है, जो प्रूफ देखना यही देखते थे, उनको करेक्शन करना यही करते थे संस्कृत ऊपर में। मतलब इतने बड़े ही विद्वान थे, उनको शिष्य है, उनका शिष्य लगते हैं। वो पास में बैठे करके सुन रहे थे, बोले ये क्या कह रहे हैं, हमारे गुरु जी के ग्रंथ में भूल है। कहते कोई साधारण जीव होता है ना, उनकी ग्रंथ में भूल होता है। इधर राधा रानी की नित्य पढ़ी करे, इनके कैसे भूल हो जाएगी। जब उन्होंने बोल कर भी चले गए तब जीव गोस्वामी उन्होंने बहाना बनाए
अरे बहाना बना के रूप गोस्वामी बोले मैं अभी अभी आ रहा हूँ, और उन्होंने उनको पीछे पीछे फॉलो किया। वो यमुना में गए जीव गोस्वामी उसको पीछे पीछे गए, तो इन्होंने पूछे आप हमारी गुरु जी की किताब में क्या देखे हो जो बोले उसको करेक्शन करने के। बोले मैंने ये देखा वहां पर भुक्ति मुक्ति को उन्होंने पिशाच शब्द कहा, भुक्ति मुक्ति को पाने के लिए लोग कितने कष्ट करते हैं, और उसको मंगलाचरण में कोई बढ़िया शब्द देनी चाहिए उसको तो पिशाच भूत का शब्द दे दिया। तो उन्होंने बोला देखो आप वो श्लोक को सुने ही नहीं, आप श्लोक को आपने ठीक से सुना ही नहीं, उन्हें भुक्ति मुक्ति को नहीं उसका मतलब स्प्रिया, स्प्रिया मतलब होता है इच्छा, उन्होंने इच्छा को ही उन्होंने पिशाच बताया, भुक्ति मुक्ति को नहीं बताया। अब देखो जब तक हृदय में ये मुक्ति और भुक्ति की वासना रहेगी ना हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आएगा, क्योंकि भागवत में बताए तत्व पतंति अनाद तुष्मद, जो भगवान के चरण को अनादर करके बड़ी कठोर साधन भजन करते थे, जो मुक्ति का भी बड़ी उच्च पद पाने पर भी वहां से गिरना पड़ता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उसका कोई डर भय नहीं, वो निर्भय होकर के बड़े बड़े विघ्नों को सर के ऊपर प्यार रख करके वो भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जथा स्थूल तुषार नाति नम, जो भगवान की जो भक्ति बड़ा सरल मार्ग है, जो भगवान की भक्ति सरल मार्ग को छोड़ करके जो मुक्ति मार्ग में जाते हैं, जैसे जैसे भूस होता है ना उसको क्या बोलते भूसा, भूसा को अगर कूटते रहोगे जिससे गेहूं निकल गया, अगर उसको कूटते रहोगे थोड़ी भी निकलेगा गेहूं, वो तो ऑलरेडी निकल गया है, उसका सारे परिश्रम मिलता है। इन्होंने भागवत पुराण से इतने श्लोक को उदाहरण देकर के ना उनका जो मुंह बंद कर दिया और उनको खंडन कर दिया। उन्होंने देखा भैया ये तो इतना छोटा बच्चा ये तो बड़ा विद्वान है, मैं तो सोच रहा था कुछ जानता नहीं, ये तो बड़ा विद्वान है। फिर वो बल्लभाचार्य फिर वापस आए और श्री रूप गोस्वामी बोले रूप जो बताया था ना उसको थोड़ी सी करेक्शन कर दो, बदला दो, उसको बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने जो कुछ लिखा सही लिखा। लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए ये जीव गोस्वामी उसको पीछे पीछे गया था, लगता है कुछ तर्क वितर्क उसके साथ में किया है और उसको परास्त कर दिया, तभी वो आकर के माफी मांग रहा है। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, महाप्रभु का जो शिक्षा है गग त्रिणा गभी सुनि चेना, उसको बाद में बोलो किसको याद है जोर से बोलो, तररती सहिष्णुना, उसके बाद में अमानीना मान देना। अब बताओ उसका मतलब क्या है, बढ़िया से बताओ जो खड़े हो जाओ। जोर जोर से बोलो। इस श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, शिक्षा श्लोक का ही दूसरा श्लोक है, इसमें महाप्रभु कहते हैं प्रणाद अपि सुनि चेन करोर अपि सहिष्णु नाम अमानि नाम मान देन कीर्तनिया सदा हरि। इसमें पहला बताया प्रणाद अपि सुनि चेन कि अपने आप को, महाप्रभु ने बताया कि भगवान की भक्ति भगवान का नाम कौन कर सकता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है मतलब उसकी क्या योग्यता है, तो उसमें बताया कि अपने आप को तृण से भी नीच मानना, जो एक तिनका होता है अपने आप को उससे भी तुच्छ मानना चाहिए। दूसरा बताया तरोरपि सहिष्णु नाम, बोला सहन शक्ति, हमारे अंदर सहन शक्ति होना चाहिए, वो भी कैसी, तरोरपि, तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष के जैसी सहनशीलता होनी चाहिए, अगर वृक्ष को कोई पत्थर भी मारे तब भी वृक्ष उल्टा क्या देता है, बल देता है और बारिश धूप सबको सहज रूप में सहन करता है। इसलिए बताया कि तरोरपि सहिष्णु नाम, वृक्ष के जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। तीसरा बताया अमानी नाम, मतलब बोले कि स्वयं अमानी रहना चाहिए, कि ऐसी आशा छोड़ देना चाहिए कि कोई हमको मान लेगा, कोई हमारा बड़ा वाहवाह करेगा, ये आशा को छोड़ देना चाहिए। और चौथा बताया कि दूसरों सबको अमानी नाम मान दे, मान दे मतलब सभी को सम्मान देना चाहिए, जिसका जितनी योग्यता यथा योग्य सम्मान उसको देना चाहिए। महाप्रभु ने ये चार चार ये गुण बताए जिसके अंदर में होंगे ऐसा व्यक्ति ही भक्ति और भगवान के नाम को कर सकते। इसलिए बोले अगर ये चार ही गुण आ गया ना महाप्रभु का, तभी भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति करने के लिए बड़ी बड़ी बाधा है, अगर मान रहे अभिमान रहे हैं
थोड़ी सी अगर थोड़ी सी कोई को, कुछ बोल दिया अगर मचल दिया फिर भजन कैसे करो। इसलिए बोले जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए सहन शक्ति की बड़ी जरूरत है। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में पिटाई हो गई, 22 बाजार में पिटाई हो गई, लास्ट में क्या कहते हैं, दूसरों को दोष नहीं दिया, बोले मैंने इन्हीं कानों में भगवान की निंदा सुना था इसलिए ठाकुर जी मेरे को थोड़ी सी दर्द दे करके ठाकुर जी मेरे को छोड़ गए। इसलिए भक्ति करने के लिए सहन सबसे पहला सहन शक्ति। इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में जब ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उनका ये अंतिम उपदेश है। देखो ये चीज को सुन लो, प्रभुपाद कहते हैं जिसने ये गौड़ीय मठ को जिन्होंने स्थापित किया वो कहते हैं सत्य लाछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन करके भी भगवान की भजन नहीं छोड़ना। और जब भक्ति करने के लिए जाओगे इसमें बड़ी लाछना गंजना अपमान बहुत कुछ आएगा है? बहुत कुछ आएगा। सब कुछ सहन करते हुए क्या करो भगवान की भक्ति करते रहो। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो महाप्रभु को पता चला कुछ गड़बड़ किया है, हैं? इतने में श्री रूप गोस्वामी हम सबको शिक्षा देने के लिए उनका जो जीव गोस्वामी जो शिष्य था ना बोले तो भजन करने का लायक ही नहीं। अरे कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा मांग रहा है और उसको प्रतिष्ठा देने में तुम्हारी क्या भूल है, तुम्हें थोड़ी सी प्रतिष्ठा भी नहीं दे सके। अब पीछे पीछे गया शास्त्रार्थ करके उसको परास्त कर दिया तो मेरे पास में रहने का लग निकल जाए यहां से। उन्होंने शिष्यों को वहां से निकाल दिया। जब उन्हें निकाल दिया वो इतने दुखी हो गए। इतने दुखी होकर के एक भाई गांव मतलब है जहां पर श्री नंद बाबा ने एकादशी व्रत करके जब रात सवेरे सवेरे नहाने के लिए जहां गए थे और जहां पर उनको वरुण का दूध पकड़ करके वरुण लोग ले गए वो के स्थान है उसका नाम कहते भाई गांव। वहीं पर जाकर के वहां पर पहले यमुना में मगरमच्छ रहते थे। ये मगरमच्छी आप देखना यमुना किनारे में उसको अंदर में क्या करते गुफा सा बना देते और वो संत उसके अंदर में रहते थे जीव गोस्वामी। और किसी घर में माधुगरी लेने नहीं जाते थे भिक्षा मांगने नहीं, कभी कभी रात खोल कर खा लेते थे है? कभी पानी यमुना पानी पी लेते थे ऐसे अपना जीविका निर्वाह करते थे। सनातन गोस्वामी जो बड़े भाई थे एक दिन उनको पूरा ब्रज मंडल में बड़े बाबा बोलते थे, सबको बड़े बाबा बोलते थे क्योंकि सब जाते थे दुख सुख पूछते थे तुम्हारे घर बच्चे तो ठीक है ना बेटे का काम चल रहा है कि ठीक और तुम्हारी नाती पोती कैसे हर घर घर में सबका अच्छा बुरा पूछते थे। इसलिए इनको ब्रज में बड़े बाबा बोलकर सब जानते थे पूरा ब्रज मंडल में इनका बड़ा नाम था बड़े बाबा ये बड़े बाबा है। लेकिन ये जब उसी गाँव में गए कुछ भिक्षा लेने के लिए कुछ रोटी बोले बाबा हमारे गांव में ना तेरे से भी एक बहुत बड़ा संत आया है तू तो घर से भीख मांग करके चून ले करके आटा ले करके टिकिया बना कर खाते हो और हमारे गांव में इतना बड़ा संत आया जो कहीं कुछ मांगने नहीं जाता कभी कभी राख को घोल करके ना उसको पानी पी लेता है कभी कभी पानी पी लेता हो कुछ किसी और दिन रात रोता रहता है। बोले भैया ऐसे कौन सा संत है जो रात को भी बोल कर हजम करते फिर कर सकता है रात को अब पी कर हजम कर सकते कहा करते। बोले भैया ऐसे बड़े संत कौन है। जब वहां पर बोले चलो वो संत को दिखाओ जब वहां पर गए ना सिर्फ जीव गोस्वामी को देखा ये जीव गोस्वामी कौन है कहते ये तीन भाई थे रूप सनातन और अनुपम ये तीन भाई थे कि जो अनुपम का जो बेटा है ये श्री जीव गोस्वामी यानी कि छोटे भाई का जो बेटा है ना ये भैया के बेटा है रूप श्री जीव गोस्वामी। तो उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी जाकर के दिन रात रो रहे हैं भगवान के नाम को ले लेकर के रो रहे थे और वहीं पर बैठे बैठे करके ताल पत्ते में जो सर्व संदर्भ जो ग्रंथ था
वो ग्रंथों पर बैठ बैठ कर वहीं पर लिख रहे थे, वहीं पर बैठ बैठ करके शास्त्र को रचना कर रहे थे, वहीं पर बैठ बैठ करके। और उन्होंने फिर उन्होंने जिनका शरीर पूरा हड्डी हड्डी रह दिया था, जो कि दिन भर रोते थे, गुरुदेव त्याग दे दिया, गुरुदेव छोड़ दिए, गुरुदेव छोड़ दिए तो दुखी हो गए, फिर अकेला रह करके भजन कर रहे हैं, खाना पीना नहीं, दिन भर रोते थे। फिर सनातन गोस्वामी उनको लेकर के आए, कहाँ पर, रूप गोस्वामी के पास। फिर उन्होंने पूछे, बोले रूप ये बताओ, चैतन्य महाप्रभु ने जीव को ऊपर में क्या करने के लिए बताया? चैतन्य महाप्रभु जीव को ऊपर में क्या करने के लिए बताया? बोले बोले जीव को ऊपर में दया करनी चाहिए, जीव को ऊपर में दया करनी चाहिए। बोले ये जीव क्या जीव नहीं है? और जीव गोस्वामी बोले महाप्रभु बोलना हर जीवों के ऊपर दया करो, जीवों के ऊपर में दया करनी चाहिए हर जीव को। बोले ये जीव क्या जीव नहीं, तुमने इसके ऊपर दया कैसे नहीं किया? जब उनको ला करके बोले इसको पास में रखो, पर रुको गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख चुके थे, वो सोच रहे थे अगर यहाँ जीव गोस्वामी होता है ना, उसका गुरु रिडीम करता, क्योंकि उतने विद्वान थे, इतने संस्कृत पृथ्वी में उनकी जैसे बराबर विद्वान उस समय संपूर्ण वैष्णव जगत में ये सम्राट थे श्री जीव गोस्वामी विद्वता में। इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम हरि नाम है, कहते हरि नाम मृत व्याकरण। जैसे ग्रामर पढ़ते हैं ना, व्याकरण ग्रामर पढ़ते हो, इन्होंने पूरा ठाकुर को नाम को दे दे करके के ग्रामर बनाया, जो ग्रामर पढ़ने पर एक साथ में बार क्या होगा, भगवान के नाम भी हो जाएगा और उसमें ग्रामर भी पढ़ना हो जाएगा। इतने विद्वता पूर्वक उन्होंने एक ग्रामर उन्होंने अद्भुत उन्होंने, इसलिए वो सोच रहे थे इतने में फिर श्री रूप गोस्वामी उनको गोद में लेकर के और जीव गोस्वामी उनको गोद में लेकर के दोनों दोनों रोने लग गए। फिर उन्होंने उनको दे दिया। देखो यहाँ पर एक सीखा है, ये चीज को समझो, क्या जीव गोस्वामी क्या उन्होंने गलत किया था? इतने बड़े संत जीव गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी क्या फिर गलत किया था? उन्होंने त्याग दे दिया। अरे जीव गोस्वामी जहां करके बल्लभाचार्य को शास्त्र से जो परास्त किया, उन्होंने क्या गलत किया था? बोले दोनों गलत नहीं किया, दोनों का सही है, लेकिन ये दुनिया को कुछ शिक्षा देना चाहते थे। बोले क्या शिक्षा देना चाहते थे? पहला नंबर रूप गोस्वामी ये शिक्षा देना चाह रहे थे सब वैष्णव को आदर कर, इसलिए जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। मतलब क्या, हर जीव में भगवान की निवास है, ठाकुर जी की सब की हृदय में ठाकुर जी की निवास है, ये सोच करके सबको यथायोग्य सम्मान दो, कभी किसी को असन्मान मत करो, क्यों, सभी के हृदय में ठाकुर जी की निवास है। अगर हम किसको दुख कष्ट देंगे तो हैं, किसको कष्ट देंगे तो ठाकुर को भी कष्ट मिलेगा, इसलिए कभी किसी को कष्ट मत दिया करो। इसलिए और साधारण जीव को कष्ट नहीं देनी चाहिए, अगर कोई साधु हो तो उसको तो कष्ट देनी नहीं चाहिए, उसको कभी कष्ट देनी नहीं चाहिए। ऐसे कोई वाणी मत कहा करो जैसे दूसरों को कहीं कष्ट पहुंचे, कभी ऐसे वाणी नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए इन्होंने ये सिखा दी। दूसरा सिखा पर जीव गोस्वामी ने ऐसे क्यों किया? बोले यहाँ पर सिखा देते हैं, अगर हमारे सामने हमारे गुरु जी को अगर कोई अपमान करते हैं, हमारे सामने हमारे गुरु जी को अगर कोई छोटा दिखा दे, शिष्य का क्या कर्तव्य? शिष्य का ये कर्तव्य वो चीज को कभी सहन नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरु जी को हमारे सामने कोई अपमान करे, हमें ये चीज को सहन नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने उनको पीछे पीछे गए और उनको शास्त्र को द्वारा उन्होंने परास्त किया, उन्होंने गलत नहीं किया, और उन्होंने जाकर के लिखा किया, उन्होंने भक्ति उन्होंने सारे संदर्भ को जो छह संदर्भ है, तत्व संदर्भ, भक्ति संदर्भ, पृथ्वी संदर्भ, ये सब संदर्भ को उन्होंने वहां पर लिख करके बड़े सुंदर ग्रंथ को रचना किया। इसलिए दोनों दोनों का प्रति जो चीज है कि इसमें कोई अपराध दोनों का किसी का नहीं, इसमें ये सीखा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री जय जय श्री राधे। हाँ आरती करो ठाकुर जी को, बोले ईश्वर हंस जीव अविनाशी। हाँ ईश्वर हंस जीव अविनाशी अमल चेतन सहज सुखनाशी। हरे कृष्णा आरती करो, आरती खोलो सब। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल हरे आप
कृष्ण हरे कृष्ण बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोलो श्री सचिदानंद गौर हरि की की जय जय Shri Radha Madhava Padma Sarasi Jayase Shri Radha
राधे राधे राधा गोविंद जय जय हरि बोल राधे राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जय हरि हो 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 अगर ठाकुर के सामने नाच लिया सारे नाचना बंद हो जाएगा सबके सब हाथ उठा सबके ऊपर हाँ बोलो बोलो Thank you.
छत को छूकर के जय जय श्री।